نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة لا نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامہ قیامت کے دن کی ولا اور نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ ملامت کرنے والے نفس کی ایحسب الانسان کیا سمجھتا ہے انسان اللن کہ ہرگز نہیں نجمع ہم جمع کر سکیں گے عظامہ اس کی ہڈیوں کو بلا کیوں نہیں قادرین قادر ہیں علا اس بات پر ان کہ نسبیا ہم درست کر دیں بنانا اس کے پور پور کو بل بلکہ یرید الانسان چاہتا ہے انسان لیفجر کہ گناہ کرتا رہے امامہ اپنے آگے یسألو پوچھتا ہے ایانا کب ہے یوم القیامہ قیامت کا دن فإذا پھر جب برق البصر چندھیا جائیں گی نگاہیں آنکھیں وخسف اور بے نور ہو جائے گا القمر چاند وجمع اور جمع کر دیے جائیں گے الشمس سورج والقمر اور چاند یقول الانسان کہے گا انسان یومئذ اس دن اين المفر کہاں ہے فرار کی جگہ کلا ہرگز نہیں لا وزر کوئی پناہ کی جگہ نہیں الى ربک تیرے رب کی طرف یومئذ اس دن المستقر ٹھہرنا ہے ینبأ الانسان آگاہ کر دیا جائے گا انسان یومئذ اس دن بما ساتھ اس کے جو قدما اس نے آگے بھیجا وأخر اور پیچھے چھوڑا بل الانسان بلکہ انسان على نفسه اپنی ذات پر بصیرت دیکھنے والا ہے آگاہ ہے ولو اور اگرچہ القا ڈالے معاذیرہ اپنی معذرتیں لا تحرک نہ آپ حرکت دیجئے بھی ساتھ اس کے لسان کا اپنی زبان کو لتعجل بھی تاکہ آپ جلدی کریں ساتھ اس کے ان بے شک علینا ہم پر جمعہو اس کا جمع کرنا ہے وقرآنہ اور اس کا پڑھوانا ہے فإذا پھر جب قرأناہ پڑھیں ہم اس کو فاتبع تو پیروی کریں قرآنہ اس کے پڑھنے کی ثم پھر ان بے شک
अलैना हमारे जिम्मा है, बयाना इसको बयान करना, कल्ला हरगिज नहीं, बल बल्कि, तुहिब्बूना तुम पसंद करते हो, अल आजिला जल्दी मिलने वाली चीज को, वतदरूना और तुम छोड़ देते हो, अल आखिरा बाद में मिलने वाली को, आखिरी को या बाद में आने वाली को, वुजूहुन कुछ चेहरे, यौम इदिन उस रोज, नादिरा तरोताजा होंगे, इला रब्बिहा अपने रब की तरफ, नाजिरा देखने वाले होंगे, वुजूहुन और कुछ चेहरे, यौम इज़िन उस रोज, बासिरा बेरौनक होंगे, फजुन्नु समझ रहे होंगे, अयुफ़ाला के किया जाएगा, बिहा साथ उनके, फाकिरा कमर तोड़ बरताओ, कल्ला हरगिज नहीं, इजा जब, बलगत पहुंच जाएगी, अत्तराकिया हलक को, वकीला और कह दिया जाएगा, मन राक कौन है झाड़ फूंक करने वाला, वजन्ना और वो समझ लेगा, अन्नहुल फिराक कि बेशक वो जुदाई का वक्त है, वल्तफत इस्साकु और जुड़ जाएगी पिंडली, बिस्साक पिंडली के साथ, इला रब्बिका तेरे रब की तरफ, यौम इज़िन उस रोज, अल्मसाक रवानगी है, फला सद्दका पस नहीं उसने तस्दीक की, वला सल्ला और ना नमाज पढ़ी, वलाकिन लेकिन, कद्दबा उसने झुटलाया, वतवल्ला और मुंह मोड़ लिया, सुम्मा फिर, जहबा चला गया, इला अहली ही अपने घर वालों की तरफ, यतमत्ता अकड़ता हुआ, इतराता हुआ, औला लका अफसोस तुझ पर, फऔला फिर अफसोस, सुम्मा औला लक फिर अफसोस तुझ पर, फऔला फिर अफसोस, अयहसबुल इंसानु क्या समझता है इंसान, अयुत्रका कि छोड़ दिया जाएगा, सुदा बेकार, अलम यकु क्या न था, नुत्फतन एक नुत्फा, मिन मनीयन मनी का, युमना जो टपकाई जाती है, सुम्मा काना फिर था, अलकतन जमा हुआ खून, फखलक फिर उसने पैदा किया, फसव्वा फिर दुरुस्त कर दिया, फजाला फिर बनाए, मिन्हु उससे, अज़्ज़ौजैन दो किस्में, अज़्ज़कर वल उन्सा मर्द और औरत, अलैसा ज़ालिका क्या नहीं है ये, बिकादिरिन कादिर, अला इस बात पर, अन युहयिल मौता कि वो जिंदा कर दे मुर्दों को। सूरत अल क़ियामा मक्की सूरत है, दो रुकुआत हैं और 40 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक्सिमु बियौमिल क़ियामा,
नहीं मैं कसम खाता हूं कयामत के दिन की। ला नहीं, किस बात की नहीं? जो लोग सोच रहे हैं कयामत के बारे में, जो लोगों के ख्यालात हैं, उनके गुमान हैं, उनके कयास हैं, वो सब बातें दुरुस्त नहीं। बल्कि असल बात क्या है कि कयामत जरूर आएगी, और कयामत के आने पर खुद कयामत ही को गवाह बनाया जा रहा है। उक्सिमु बियौमिल क़ियामा, मैं कसम खाता हूँ कयामत के दिन की। वला उक्सिमु बिन्नफ्सिल लवामा, और नहीं मैं कसम खाता हूँ नफ्स लवामा की। फिर किस बात पर कसम खाई गई है? कयामत ही के आने पर। और कयामत के आने पर नफ्स लवामा किस तरह गवाह है? क्योंकि अल्लाह ताला जब मखलूक की कसम खाते हैं तो वो दरअसल उन चीजों की अहमियत की वजह से उन्हें गवाह बनाते हैं। फिर कयामत के आने पर तो खुद कयामत का दिन गवाह है। तुम नहीं मानते तो न मानो, वो इतनी बड़ी हकीकत है कि जो किसी के इनकार से झुटलाई नहीं जा सकती। और इसी तरह नफ्स लवामा इस बात पर गवाह है कि कयामत जरूर आएगी। लवामा का लफ्ज लौम से है, जिसके माने मुलामत और सरजनिश करने के हैं। नफ्स लवामा से मुराद वो नफ्स है जो खुद अपने आमाल का मुहासबा करके अपने आप को मुलामत करता रहे। यानी इंसान से जब गलती हो तो इंसान के अंदर मलामत शुरू हो जाए। ये नफ्स सिर्फ गलतियों पर ही इंसान को मलामत नहीं करता, बल्कि जब इंसान किसी नेकी में पीछे रह जाता है, या नेकी करता तो है लेकिन अच्छी तरह नहीं करता, पूरी तरह नहीं करता, तो उस वक्त भी बेदार जमीर लोगों का जमीर उनको मलामत करता है, उन्हें एहसास दिलाता है। इंसानी नफ्स की कुछ हालतें होती। उसकी इब्तिदाई हालत बिल्कुल अपनी असली हालत में नफ्स क्या है? इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स इंसान को बुराइयों का हुक्म देता है। नफ्स के अंदर अपनी चाहत, अपनी बड़ाई का इजहार, दूसरों के हुकूक की परवाह न करना, खुद को बड़ी चीज समझना, ये तमाम खामियां पाई जाती हैं। लेकिन जो शख्स अपनी इसलाह करता रहे, अपने दिल की, अपने नफ्स की हर बात न माने, इसके मुकाबले में अल्लाह ताला की बातों को माने, तो फिर इंसान के अंदर नफ्स लवामा उभरता है जो उसको उसकी बुराइयों पर आगाह करता है। और इस आयत में इसी नफ्स लवामा को गवाह बनाया जा रहा है कि ये नफ्स हर इंसान के अंदर मौजूद है। हर इंसान के अंदर जमीर नाम की जो चीज है वो इंसान को गलत कामों पर मलामत करती है। और इसी तरह नफ्स की आखिरी हालत कि जब इंसान नफ्स लवामा की बात सुन लेता है और अल्लाह की इताअत करने लगता है और नेकियों में आगे बढ़ने लगता है, नेकियों में मेहनत करने लगता है, तो फिर इंसान के अंदर जो कैफियत पैदा होती है वो नफ्स मुतमईना कहलाती है। बहरहाल यहां पर क्या फरमाया गया कि नफ्स लवामा की कसम खाता हूं, और नफ्स लवामा इस बात का तकाजा करता है कि अच्छा काम करने वालों को अच्छाई की जजा दी जाए और बुरा काम करने वालों को उनकी बुराई पर सजा दी जाए। और कयामत और आखिरत का मकसद भी यही है कि हर एक का अच्छा बुरा जो उसने किया वो सामने आ जाए। इसलिए अल्लाह ताला इंसान को गौर व फिक्र की दावत देते हैं और अपने ही दिल के अंदर झांकने के लिए कहते हैं कि खुद अपने दिल से पूछो, अपने जवीर की आवाज को गौर से सुनो, वो क्या कहता है, वो क्या बताता है कि अच्छा करने वाले को क्या यूं ही छोड़ दिया जाए, उसे कुछ भी इनाम न दिया जाए और बुरा करने वालों को कोई सजा ना मिले? नहीं, नफ्स लवामा यही कहता है कि एक दिन ऐसा होना चाहिए जब हर एक को उसके किए का बदला मिल सके। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इजामा, अयहसबुल इंसानु, क्या समझता है इंसान अल्लन के हरगिज नहीं, नजमा हम जमा कर सकेंगे, इजामा उसकी हड्डियों को? कयामत के आने में जो चीज उन्हें समझ ना आती थी या जो चीज उनके ख्याल में कयामत के आने में रुकावट हो सकती है वो है इंसानों का मरने के बाद मट्टी होकर फिर दोबारा जी उठना और पैदा होना। इंसान ये सोचता है और ये सोच के कयामत का इनकार करता है,
कि मरे हुए इंसान दोबारा कैसे उठेंगे, तो उसका जवाब अल्लाह ताला कुछ यूं देते हैं, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इजामा, क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियों को हरगिज जमा ना कर सकेंगे, बला क्यों नहीं, कादिरीना कादिर हैं, पूरी कुदरत रखते हैं, अला इस बात पर, अन्नुसव्विया बनाना, कि हम उसके पोर पोर को भी ठीक बना दें, बड़ी बड़ी हड्डियों को जमा करना तो दूर की बात, हम तो उसकी उंगलियों के पोरों को भी दुरुस्त बनाने पे कादिर हैं। बनान कहते हैं उंगलियों के पोरों को, यानी बड़े जोड़ तो क्या, छोटे जोड़ भी अपनी जगह फिक्स कर देंगे और पूरी तरह उनको उनकी असल शेप पर दोबारा ले आएंगे। नुसविया का लफ्ज तस्विया से है, तस्विया कहते हैं बराबर करने को, यानी बिल्कुल उसी तरह बराबर करके बनाएंगे जिस तरह दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को पूरी तरह हमवार और एक मुतनासिब शक्ल में पैदा किया है, कयामत के दिन भी इंसान को फिर इसी हालत पर लौटा दिया जाएगा, ठीक ठीक दुरुस्त बना दिया जाएगा। आप देखिए कि हर इंसान दूसरे इंसान से बहुत सी चीजों में मुख्तलिफ है इंसान होते हुए, मसलन सबकी आंखें हैं लेकिन हर एक की आंखों का रंग फर्क है, सबके मुंह में जबान है और जबान की शेप ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, हलक है लेकिन हर एक की आवाज मुख्तलिफ है, हर एक का लहजा मुख्तलिफ है, बोलने का अंदाज मुख्तलिफ है। इसी तरह हमारे हाथ देखने में सबकी पांच उंगलियां हैं और शेप भी मिलती जुलती होती है, लेकिन कुछ जगहों पर जाकर हर इंसान दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। तो उसके उंगलियों के पोर, पहले तो ये समझा जाता था कि सिर्फ अंगूठा जो है वो मुख्तलिफ होता है हर इंसान का दूसरे से, लेकिन अब ये बात सामने आई कि सिर्फ अंगूठा नहीं बाकी उंगलियां भी इसी तरह मुख्तलिफ होती हैं। जो उंगलियों के अंदरूनी तरफ स्किन पे पोरों पे जो जाल बना हुआ है, लकीरें बारीक बनी हुई हैं, ये हर इंसान की दूसरे इंसान से मुख्तलिफ हैं, जो उसके लिए पहचान का काम देती हैं। दुनिया में भी मुजरिमों को पकड़ने के लिए ये निशान कारामद है, क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला इंसानों के ऐसे निशानात तक को वापस लौटा देगा जिससे उनकी पहचान अच्छी तरह हो जाएगी। इंसान के पोर या फिंगरप्रिंट्स जो हैं, अल्लाह ताला की एक हैरतअंगेज तख्लीक है। इस पर जब तहकीकात की गई तो पता चला कि फिंगरप्रिंट्स मां के वूम में यानी रहम में 5 माह के करीब वजूद में आते, यानी बच्चा जब 5 माह का होता है माँ के पेट में, उस वक्त ये बनना शुरू होते हैं, और जो प्रिंट उस वक्त बनता है वो पूरी जिंदगी तब्दील नहीं होता फिर, यानी बाकी अज़ा में तो तब्दीली होती रहती है, बड़े छोटे होते रहते हैं, लेकिन इसका डिजाइन नहीं बदलता, मौत तक ऐसे ही रहते हैं। कुछ ममीज यानी वो मुर्दा लोग जिनके जिस्मों को प्रिजर्व किया गया, उनके निशानात को भी देखा गया, तो उनकी मौत के 2000 साल बाद भी वो जो के तू बरकरार थे, यानी उनके हाथों पर भी। और ये बात भी तजुर्बे से साबित है कि हर इंसान का प्रिंट दूसरे से मुख्तलिफ है। दुनिया में कोई दो इंसान भी ऐसे नहीं पाए गए कि जिनके ये प्रिंट्स एक जैसे हों या बाहम मिलते जुलते हों, हत्ता के जुड़वा बच्चों में भी जो एक ही जगह पर परवरिश पाते हैं। और इस तहकीक में हजारों लोगों के फिंगरप्रिंट्स जो हैं उनको लेकर तजुर्बा किया गया है कि शायद किसी का दूसरे से मिलता हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर इसी तरह यह है कि अगर किसी हादसे में इंसान की स्किन उतर भी जाए, मसलन जल जाए या कोई जख्म हो जाए या छिल जाए, बाज़ू का ऐसा होता ना कि जिस्म का कोई हिस्सा किसी वजह से कट जाता है या छिल जाता है, तो वो फिर दोबारा बन जाता है। और इसकी आम सी मिसाल क्या है, जैसे आपके हाथ पे कोई आबला पड़ जाए, बाज़ू का आप कोई गर्म चीज पकड़ लेते हैं या उबलते पानी में कोई हाथ वगैरह पड़ जाता है, तो क्या होता है, एकदम छाला बन जाता है। अच्छा, छाला बनने से क्या होता है कि ऊपर की स्किन उभर आती है और कुछ अरसे के बाद आप उस स्किन को ऊपर से पील कर देते हैं, क्योंकि वो दोबारा नहीं वापस चिपकती। अब अगरचे वो स्किन पील कर दें आप, छील दें, हटा दें, तो दोबारा जो स्किन आएगी उसमें भी डिजाइन पहले वाला ही होगा, फिर भी नहीं बदलेगा। फिर इसी तरह यह है कि बाज लोग जब जुर्म करते हैं तो अपने हाथों के निशान लगने नहीं देते। तहकीकात से ये बात भी पता चली है कि अब ऐसे आलात आ गए हैं कि अगर कोई मुजरिम थिक ग्लव्स पहनकर या कपड़े की तह के पीछे से भी कोई काम करता है
और जिस चीज पर वो कपड़ा लगता है, तो ऐसी मशीनें आ चुकी हैं कि जिससे उन निशानात यानी जाहिरी निशानात के पीछे के निशान भी स्कैन किए जा सकते हैं। यानी चाहे अगर कोई शख्स किसी और मस्नूई लेयर के जरिए किसी चीज को पकड़ता है और उसका कुछ निशान रह जाता है, तो उससे भी डिटेक्ट किया जा सकता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला जहां सारे इंसान को दोबारा उठाने की बात करते हैं, वहां खुसूसी तौर पर फिंगरप्रिंट्स या इंसान के जो पोर हैं, इनको दोबारा बनाने की बात भी खुसूसी तौर पर करते हैं। बला قادرين على ان نسوي بنانه, क्यों नहीं, हम तो इस बात पर भी कादिर हैं कि उसकी उंगलियों के एक एक पोर को मुकम्मल करके उसे उठा खड़ा करें। वो भागकर कहां जा सकता है? और असल बात यह है कि इंसान मानना क्यों नहीं चाहता, बल يريد الانسان ليفجر امامه, बल्कि इंसान चाहता यह है कि आगे भी गुनाह करता रहे। यानी कयामत का तसव्वुर उसको क्यों बुरा लगता है, कयामत का जिक्र क्यों नहीं करना चाहता, आखिरत का तज़किरा क्यों नहीं सुनना चाहता, जहन्नम का जिक्र उसको क्यों बुरा लगता है, क्योंकि वो बुरे काम नहीं छोड़ना चाहता। लियफजुरा का लफ्ज जो है फजूर से है। फजूर कहते हैं अलल ऐलान गुनाह करने को, खुलेआम गलत काम करने को। यानी इंसान अपने जमीर की आवाज नहीं सुनता, नफ्स लवामा पे कान नहीं धरता और कयामत का इनकार इसलिए करता है कि वो खुल के गुनाह कर सके और आगे आगे गुनाह करता रहे, यानी अपने जमीर के आगे और अपनी आइंदा जिंदगी में भी। यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, पूछता है कब आएगा क़यामत का दिन। और ये सवाल मालूमात हासिल करने के लिए नहीं होता, बल्कि मजाक के तौर पे होता है। जब कहा जाता है कि क़यामत आएगी, हिसाब किताब होगा, जजा सजा होगी, खुदा का खौफ करो, तो वो क्या कहते हैं, अच्छा ये बताओ कि वो दिन आएगा कब। यानी ये इंसान की ढिटाई की दलील है कि किसी बात की हकीकत को समझने की बजाय ऐसा सवाल करे जिससे उसकी हकीकत को उल्टा झुटलाया जा सके। कि अगर वो शख्स जिससे सवाल किया जा रहा है वो जवाब ना दे पाए, तो अपनी बात कहने से आइंदा बाज आ जाए, यानी दूसरे को चुप कराने के लिए। क्योंकि जब भी कोई पूछता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क़यामत कब आएगी, तो आप क्या फरमाते थे कि उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है। तो ये बात इन पे बहुत भारी होती या नागवार होती कि फिर हमें क्यों कहा जा रहा है कि क़यामत आएगी, जब आपको मालूम ही नहीं कि किस दिन आएगी। हालांकि ये इसकी झुटलाने के लिए कोई दलील न थी। अब यहाँ कुछ अलामात क़यामत बताई जा रही हैं कि क़यामत कब आएगी। फ़इज़ा बरिक़ल बसर, जब खीरा हो जाएगी निगाह। बरिक़ा, बरिक़ा का लफ्ज जो है ये बर्क से है, बर्क बिजली को कहते हैं। और यहाँ बरिक़ा से मुराद चुंधिया जाना, जब निगाह चुंधिया जाएगी। निगाहें कब चुंधियाती हैं, जब रोशनी बहुत ज्यादा होती या फिर जब इंसान कोई अनयूजुअल चीज देखता है। तो क़यामत के दिन दहशत अंगेज नजारे देखकर इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई तेज रोशनी में आंख खोले तो फिर खोल ना सके, उसकी निगाह देखने से इनकार कर दे, चुंधिया जाए। वखसफ अल कमर, और चांद बेनूर हो जाएगा। यानी ये हादसा सिर्फ जमीन पर नहीं होगा, आसमान पर भी होगा, इससे चांद भी मुतासिर होगा, चांद गहना जाएगा। खसफा का लफ्ज खुसूब से है, खसफुल कमर कहते हैं चांद में गहन आने को, यानी उसकी रोशनी मांद पड़ जाए। क्योंकि जब चांद को गहन लगता है तो उस वक्त चांद बेनूर हो जाता है। और ये नजारा अल्लाह ताला दुनिया में भी इंसान को दिखाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब चांद गहन या सूरज गहन लगता है, सारी दुनिया के लोग मिलकर भी उसकी रोशनी को नहीं लौटा सकते। इंसान इतना बेबस है इन चीजों के सामने। और यहां पर असल सूरत हाल तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, क्योंकि आखिरत के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन हम अपनी दुनिया की मिसालों से सही तौर पर दे ही नहीं सकते। तो यहां पर फरमाया वखसफल कमर, और चांद गहना जाएगा, चांद को ग्रहण लग जाएगा, चांद बेनूर हो जाएगा। वजुमे अश्शम्स वल कमर, और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे, इकट्ठे कर दिए जाएंगे। एक माना तो ये हो सकता है कि दोनों ही बेनूर हो जाएंगे, दूसरा ये भी हो सकता है कि दोनों बाहम टकरा जाएंगे, एक दूसरे में मदगम हो जाएगा,
या एक दूसरे को सक कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। यकूल इंसान यौमइज़िन, कहेगा इंसान उस दिन, अइनल मफर, कहां भाग कर जाऊं, किधर को भागूं, कहां है राहे फरार, है कोई भागने की जगह। कल्ला, हरगिज नहीं, ला वजर, कोई पनाह की जगह नहीं, कोई बोझ उठाने वाला नहीं, कहां भागना है, यहीं रहना है। अब वजर का लफ्ज जो है ये विजर से निकला है, विजर कहते हैं बोझ उठाने को या बोझ को, और इससे वजर जब हरकत के साथ आए तो पहाड़ या किले को कहते हैं जहां इंसान पनाह हासिल करे। यानी आज तो इंसान मजाक उड़ाने के अंदाज में पूछता है कि कयामत कब आएगी, लेकिन जब कल कयामत वाकई आ जाएगी तो उस वक्त इंसान फिर पूछेगा नहीं बल्कि उससे भागने की कोशिश करेगा कि कोई जगह हो जहां मैं कयामत के इस जलजले से, इस आफत से भाग कर जा छुपूं, बच जाऊं और ये मुसीबत का दिन मुझे न देखना पड़े। कल्ला, हरगिज नहीं, ला वजर, कोई छुपने की जगह नहीं। इला रब्बिका यौम इज़निल मुस्तकर, तेरे रब की तरफ आज जा ठहरना है। मुस्तकर करार से है, आज तेरे रब के सामने जाके ठहरना है, वही करार है, भागने की कोई जगह नहीं। यानी मुस्तकर जो है यहाँ मफर के मुकाबले में इस्तेमाल हुआ है। मफर भाग के जाने की जगह, और वजर छुपने की जगह, और मुस्तकर टिक जाने की जगह। यानी कोई भी वहां अल्लाह ताला से भाग के कहीं नहीं जा सकेगा, कहीं नहीं छुप सकेगा, बल्कि जहां उसे जाके ठहरना चाहिए वहीं ठहरेगा। युनब्बुल इंसानु यौमइज़िन बिमा कद्दम व अख्खर, आगाह कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा इंसान को, यौमइज़िन उस दिन, क्या, बिमा कद्दम, जो उसने आगे भेजा, व अख्खर, और जो उसने पीछे छोड़ा। हर इंसान को उसके आमाल बता दिए जाएंगे। वजदू मामिलू हादिरा, और वो पा लेंगे जो भी उन्होंने अमल किए होंगे हाजिर, सामने, और उन आमाल में से जो पहले किए या जो बाद में किए, जो जिंदगी में किए या जो मरने के बाद सदका जारिया बने। कद्दमा व अखर, वो सब कुछ उसके सामने आ जाएगा। फिर इसी तरह इंसान को वो भी बता दिया जाएगा जो उसे करना चाहिए था और उसने नहीं किया, या जो उसको नहीं करना चाहिए था और वो उसको करता रहा। यानी कद्दमा व अखर। फिर इसी तरह जिन नेकियों के करने से उसको फायदा हो सकता था, वो आगे बढ़ सकता था और उसने नहीं की, उनकी भी खबर दे दी जाएगी, और उन आमाल के बारे में भी बता दिया जाएगा जिनमें मुब्तला होकर वो पीछे रह गया, दूसरे आगे निकल गए, उसकी नेकियां बर्बाद हो गई, सब कुछ उसके सामने रख दिया जाएगा। और ये जो इसका अहम तरीन माना है ना, बिमा कद्दमा, ये वही मफहूम है जो सूरत यासीन में भी गुजर चुका है कि कयामत के दिन इन्ना नहनु नुहयिल मौता, बेशक हम जरूर जिंदा करेंगे मुर्दों को। वह नक्तुबु मा कद्दमू, और हम लिख रहे हैं जो वो आगे भेज रहा है। वह आसारहुम, और उनके आसार भी। वह कुल्ल शैइन, और हर चीज को, अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, हमने एक खुले रजिस्टर में, खुली किताब में खूब गिन गिन कर लिख रखा है, शुमार कर रखा है। इसीलिए हर इंसान का नामा आमाल दो तरह से तैयार हो रहा है, एक उन आमाल पर मुश्तमिल है जो वो आज के दिन कर रहा है, खुद अपने हाथ से आगे भेज रहा है, एक उन आमाल पर मुश्तमिल है जो वो अपने बाद में आसार की शक्ल में छोड़ रहा है, जिसके बारे में हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इस्लाम में कोई नेक बात जारी की उसके लिए उसके अपने अमल का भी सवाब है, और जो लोग इसके बाद इस बात पर अमल करें उनका भी सवाब है, बगैर इसके कि उन लोगों का सवाब कुछ भी कम हो, यानी जो बाद में उसके काम को देख के करने वाले थे। और जिसने इस्लाम में कोई बुरी तरह डाली, यानी कोई बुरा काम ईजाद किया, उस पर उसके अपने अमल का बोझ भी है और उन सब लोगों का भी जो उसके बाद उस पर अमल करें, बगैर इसके कि उन लोगों के बोझ में से कुछ भी कमी हो। और कद्दमा और अखरा को यह हदीस भी बहुत अच्छी तरह वाजे करती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान फौत हो जाता है तो उसका नामा आमाल बंद हो जाता है या अमल मौकूफ हो जाता है, सिवाय तीन चीजों के जिनका सवाब उसको बाद में भी मिलता रहता है।
एक सदका जारिया का, जैसे कोई शख्स कोई चीज रिफाह आम्मा के लिए बना जाए या वक्फ कर जाए। दूसरे इल्म का सवाब, जो इंसान सिखा जाए, खा खुद पढ़ाए, खा कोई किताब लिखे, खा कोई स्कूल बनाए, कोई भी ऐसा काम जिससे लोग फायदा उठाएं इल्मी एतबार से। और तीसरे ऐसी नेक औलाद जो बाद में वालदैन के लिए दुआएं करे। ये चीजें अखरा में शामिल हो जाती हैं कि बाद में भी इनका सवाब इंसान को मिलता चला जाता है। अब यहाँ एक बात काबिल गौर है कि हमारा दीन हमें किस किस तरीके से नेकी करने की राहें सुझाता है और किन कामों की तरफ मुतवज्जे करता है। अगर मुसलमान इन उसूलों को सामने रखते तो आज पीछे ना होते। यानी अच्छे रास्ते पर माल खर्च करना, औलाद की अच्छी तरबियत करना और तालीम को आम करना, ये उन आमाल में से है, उस तिजारत में से है कि जो कभी भी नुकसान नहीं पाती। आज अगर हम सब मुसलमान अपने लिए ऐसे सदका जारिया की फिक्र करें कि मैं कुछ सीख लूं, किसी को सिखा लूं, कुछ लिखना जानती हूं तो लिखूं, पढ़ाना जानती हूं तो पढ़ाऊं, नहीं जानती तो माल है तो माल इल्म के रस्ते में खर्च करूं, तो आप देखें कि पूरी कौम की हालत बदल सकती है। अगर सब साहिब इल्म और साहिब माल काबिल रश्क हो जाएं, जैसा कि एक हदीस में आता है कि किसी शख्स पे रश्क जायज नहीं कि किसी को देख के कहें हाय मैं भी ऐसा होता, सिवाय दो लोगों के, एक वो जिसके पास माल है और उसको वो दिन रात आगे पीछे दाएं बाएं खर्च करता रहता है, और दूसरा वो जिसके पास इल्म है और वो उस इल्म को आगे पीछे दाएं बाएं हर वक्त सिखाता रहता है जब मौका मिलता है, सिर्रम व अलानिया लैलन व नहारन, हर मौके पर। तो जब तक ये दो चीजें हमारे माशरे में आम नहीं होंगी, यानी माल का दुरुस्त इस्तेमाल और हर शख्स को एजुकेट करना, और खासतौर पर कुरान, जब तक सब इंसानों के पास नहीं पहुंचेगा, इस्लाह नहीं हो सकती हकीकी मानों में। और इन कामों के लिए जो भी इंसान कोशिश करेगा उसके लिए अजर ही अजर है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट इस रास्ते में हम खुद हैं, हमारा अपना नफ्स है और हमारी अपनी सोच है, क्योंकि हम पहले ही हल्ले पे कह देते हैं हम तो कर ही नहीं सकते। तो जो शख्स ये कहे कि हम कर ही नहीं सकते, वो कभी नहीं कर सकता। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब है ना, सबको मालूम है उसका, कौन सी, इतने तो सूरतों के नाम नहीं आते होंगे जितने ऐसी चीजों का खूब पता है। खैर, उसमें बहुत से लोगों के इंटरव्यूज भी शामिल हैं जिन्होंने दुनिया में कोई बहुत ही आला रोल प्ले किए, या कलर होल्डर्स या फिर बहुत नामवर लोग, यानी दुनिया के कामयाब तरीन लोग या रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग जिनके वहां जिक्र हैं, यानी मुश्किल तरीन काम किए हैं लोगों ने अपने नाम बनाने के लिए, नामवरी की खातिर। शोहरत की ख्वाहिश भी कितनी शदीद ख्वाहिशात में से है ना, और कितनी स्ट्रांग मोटिवेशंस में से है, जिसकी खातिर इंसान उल्टे सीधे बहुत से काम कर लेता और सारी सारी जिंदगी बाज़ुकात इंसान अपने आप को अज़ियत देता है। मसलन इस बात का रिकॉर्ड कायम करना कि सबसे लंबे नाखून हो किसी के, सबसे लंबे बाल हो, तो तस्वीर देखी होगी आपने उसकी कि किस कदर अजियत में इंसान खाना पीना सोना जागना चलना फिरना इंसानों के पास बैठना हर चीज उसने अपने लिए सारी जिंदगी हराम कर ली जिसने इतने लंबे नाखून रखे। लेकिन रख लें लोग अपना नाम लिखवाने की खातिर पूरी पूरी जिंदगी अजियत में गुजारने को तैयार है, सिर्फ एक रिकॉर्ड की खातिर, एक किताब में नाम लिखवाने की खातिर। और जिनका नाम अल्लाह की किताब में लिखा जाए या अल्लाह के यहाँ प्यारे हो जाए, उनको ऐसी किसी भी चीज का शौक नहीं। बहरहाल, किस्सा मुख्तसर ये कि इस किताब में सैकड़ों और हजारों लोगों का जिक्र है, उन सब के दरमियान एक बात जो कॉमन और मुश्तरक है वो क्या, कि उनमें से हर एक ने अपने काम के बारे में जब सोचा तो पूरे यकीन के साथ सोचा कि मैं ये काम कर लूंगा, मैं कर सकता हूं, और एक बार भी नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकता। तो कामयाब तरीन लोग दुनिया में कौन होते हैं, जो मुश्किल से मुश्किल हाल में भी घबराए ना, परेशान ना हो, और अपनी जिंदगी से ना को निकाल दे कि ये नहीं हो सकता। जब आप ये कहेंगे कि ये हो सकता है और मैं कर सकता हूं और अल्लाह की मदद है मेरे साथ, तो फिर आप देखें सब कुछ आप कर सकते, अल्लाह के दीन का काम भी, जिसके अंदर ये अल्लाह की तरफ से सोच आ गई कि मैं कर सकता हूं, वो कर भी लेगा, अल्लाह ताला उसके लिए पर रास्ते खोल देगा। अभी बात हो रही थी ना, अल्लाह जिसको चाहता हिदायत देता है, वो क्यों जिसको चाहता देता, वो यही तो देखता है कि कौन क्या करना चाहता है। जब तक कोई शख्स संजीदा नहीं होता, करने के लिए तैयार नहीं होता, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता, उसके अपने अंदर कन्विक्शन नहीं होती किसी काम के करने की, उस वक्त तक काम नहीं होता। आखिरत का मामला भी
ऐसा ही है। कभी भी कोई काम करने के लिए यह ना देखें कि यार इसकी फैसिलिटी है तो मैं जल्दी से कर लूं, नहीं, ये देखें कि आपके अंदर अल्लाह ने क्या पोटेंशियल रखा, आप क्या करने के अहल हैं, किस चीज का आप हक अदा कर सकते, किसको आप अपनी जान पे खेल के भी निभा सकते हैं, वो काम कीजिए, फिर आप देखिए कि उसमें इंशाल्लाह मुश्किल से मुश्किल मरहला भी आएगा तो आप पार करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने महज वक्ती तौर पे लोगों की बातों से मुतासर होके, लोगों की बातों में आके कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, अपने अंदर सलाहियत ना भी पाई, फिर भी कच्चे पक्के दिल से कोई काम शुरू कर दिया या कोई काम आसान लगा तो शुरू कर दिया, तो इस तरह अपने आप को जाया मत करें। काम आसान हो या मुश्किल, मुमकिन नजर आता हो या नामुमकिन नजर आता हो, लेकिन आप अपने अंदर पक्का अहद करें। उस दिन मैंने एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाया था ना, कि जब मैंने ये सोचा था कि अब ये खुलवाना है, ये कुरान बंद नहीं होगा, ये खुलेगा, और उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी कि जिसमें सिर्फ एक दीवाना शख्स ये कह सकता था, लेकिन मेरे ख्याल है वो एक लम्हा होता है ना, अल्लाह ताला दिल में बात डालता है कि ये करो, और अगर हम लब्बैक कह देते हैं, अपने आप को पेश कर देते कि अल्लाह बस मैं हाजिर हूं, मैंने अपना आप तेरे हवाले किया, अब तू मुझसे काम ले ले, फिर अल्लाह ताला ले लेता। यही चीज वो फिर बनती है बुनियाद, कि अल्लाह ताला फिर राहें दिखाना शुरू कर देता, अच्छा अब ये कर लो, अब ये कर लो, वो फिर इंसान को एक ऐसी बसीरत हासिल होने लगती है, ऐसी ऐसी राहें खुलती हैं जो दूसरे किसी को भी नजर नहीं आती। इंसान उन अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाता है जिनके बारे में किसी दूसरे का ख्याल भी नहीं जाता, हालांकि वो चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन नजर किसको आती है, जो सिर्फ जाहिर की नहीं अंदर की नजर से फिर देखना शुरू करें। आप किस चीज के ख्वाब देखा करते हैं बताइए, ख्वाब किस चीज का नजर आता है आपको, जो चीज आपके अपने अंदर होती है उसी के बारे में आपको फिर राहें नजर आती हैं, यानी जो आपके दिल में बातें थे ना, वो फिर वो सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी आपके ख्वाबों में भी वही चीजें शामिल हो जाती, वही आप सोचने लगते हैं, फिर आपको अल्लाह ताला सिर्फ दिन में नहीं रात को भी काम करने की सलाहियत बख्शता है, आप सो भी रहे हो तो काम हो रहा होता है, क्योंकि आपकी पूरी इन्वॉल्वमेंट हो गई उस काम में, और फिर वो चीज मुश्किल नहीं रहा करती। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया कि बाज़ुकात हम डिसाइड भी नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बिमा कदम व अखरा के हवाले से, यानी जो होता है ना पिक एंड चूज, क्या कर लें और क्या छोड़ दें, क्या ऑप्ट करें, हर जगह और हर वक्त ये होता रहता है, अच्छा अब क्या करें अब क्या ना करें, इस वक्त यहाँ बैठे कि चल दें, पढ़े कि ना पढ़े, हर वक्त हम दो चीजों में से एक अपने लिए चुन रहे होते हैं, तो फिर इसका ताल्लुक हिकमत से होता है। यानी मसलन आप मुख्तलिफ टेस्ट के जरिए अपने आप को और दूसरों को परख सकते हैं, एक बच्चे को आप दो चीजें पेश करते हैं, उनमें से एक ले लेता है दूसरी छोड़ देता है, दूसरे को देते हैं तो वो दूसरी लेता है और छोड़ देता है, दोनों वजह क्या, फिर आप एनालिसिस करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि एक बच्चे ने खिलौना पसंद किया और एक बच्चे ने किताब पसंद की, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इंसान की शख्सियत जो है वो एक दिन में या एक वक्ती तौर पर जो हमें नजर आ रही थी वो दरअसल वो नहीं होती, उसके पीछे गहरे असरात होते हैं। उन सब चीजों को तब्दील करके एक रीफॉर्म होना, नया इंसान बनना, ये वक्त मांगता है, और इसके लिए इंसान को मुसलसल कोशिश और मेहनत और अल्लाह से दुआ करनी पड़ती है। इसीलिए कहा गया मन युतल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा, हिकमत क्या है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन, और राइट डिसीजन क्या है, जो हमें आखिरत के एतबार से फायदा दे, तो जिसको हिकमत मिल गई उसको खैर कसीर मिल गया। तो यहां भी बात यह है कि इंसान उस दिन जाके फिर पछताएगा, ये तो मैं कर सकता था, क्यों ना किया, छोड़ा क्यों। अखरा का माना होता है ताखीर करना, पोस्टपोन करना, आज नहीं कल करेंगे। जैसे हो सकता है आप में से बाज लोगों को गर्मी सता रही हो और आप सोच रहे हो शायद ही अनाउंस कर दें छुट्टी का, है ना, कि चलो कोई बात नहीं कल जो आना है, या कल ही की छुट्टी दे दें, क्या पता कल भी लाइट ना हो तो फिर ऐसे ही आके परेशान हो। तो बात यह है कि अगर अजम कर लिया कि नहीं करना है तो फिर अल्लाह ताला करवा भी देता है, लेकिन अगर अपनी नीयत खराब हो जाए तो फिर कोई भी सहूलत तो इंसान उससे फायदा नहीं उठाता। तो ये जो इतना हसरत का दिन होगा ना, वो कयामत का दिन, यौमुल हसरत भी कहा गया उसको, युनब्बा उल इंसान, इंसान को खबर दी जाएगी, युनब्बा कलस नबा उनसे है, इंसान को बताया जाएगा। और किस तरह बताया जाएगा, ये भी हो सकता है नामा अमाल सामने दिखा के, ये भी हो सकता है एक फरिश्ता आके वो सारी जगह हाईलाइट करके दिखा दे, ये पेज खाली है, ये गैप्स हैं, यहाँ नियत की खराबी है। कहीं मैं एक वाक्य सुन रही थी कि एक शख्स ने सूरत ताहा पढ़ी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ी, तो रात को उसको ख्वाब में दिखाया गया, ये वाक्य मैंने कहीं सुना है,
मेरे अपने किसी तजुर्बे का नहीं है और ना ही मेरे पास उसकी कोई दलील है, लेकिन बहरहाल इबरत के लिए बहुत अच्छा वाक्य है। तो उस शख्स ने सूरह ताहा पढ़ी और रात को जब वो सोया तो उसको ख्वाब में दिखाया गया कि वो सूरह ताहा जो है वो उसके अमालनामे में सोने के कलम से सोने के पानी से लिखी। तो बड़ा खुश हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नेकी कबूल हुई। जो ही उसने वर्के पलटने शुरू किए तो बीच में एक जगह आई जहां से वो मिटा हुआ था, कुछ भी नहीं था वहां, प्लेन कागज। तो शख्स हैरान हुआ कि ये साफ क्यों हो गया यहाँ से, यानी शुरू में तो इतना अच्छा लिखा हुआ आ रहा था, यकायक ये आगे से सफेद हो गया। तो उसको बताया गया कि हाँ, जब तुम पढ़ रहे थे और बहुत खुशू खुशू से पढ़ रहे थे और बड़ी अच्छी नीयत से पढ़ रहे थे, तो इतने में एक शख्स दाखिल हुआ था तुम्हारे पास, तो तुम्हारे जी में ये ख्याल आया कि मेरी ये तिलावत सुन के ये कितना खुश होगा। तो जो ही तुम्हारी नीयत फिरी वो सफ़े साफ हो गए वहां से। और ये एक हकीकत है, यानी बाज़ अक़ात अल्लाह ताला ख्वाब के जरिए ऐसी बातें इंसान को दुनिया में भी दिखा देते हैं, यानी जरूरी है कि हम झुटलाएं। और अगर ख्वाब ना भी है तो क्या ये सच नहीं कि जो काम अल्लाह के लिए नहीं होगा वो क़यामत के दिन सफा कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, इंसान के नामे अमाल में उसको नहीं डाला जाएगा, वो नेकी नहीं बनेगा। और कितने ही मौके ऐसे आते हैं कि हम कदम कदम पे फिसल पड़ते हैं, कदम कदम पे नीयतें खराब कर बैठते हैं, कदम कदम पे हौसले हार बैठते हैं। तो इंसान को हर लम्हा मोहतात रहने की भी जरूरत है। अच्छा, अब ये जो बात है ना, युनब्बाउल इंसान, इतनी वहशत आती है, पता नहीं आप ये फील कर रहे हैं कि नहीं, कि कोई आके आपको आपका नामे अमाल दिखाए। जरा देखिए अपना नामे अमाल। एक तो वो खुश नसीब होगा जिसको मिलेगा और वो उठ के कहेगा हाँ ओ मुकरो किताबिया, आओ मेरी किताब पढ़ो, क्योंकि वो सारे सफ़े सोने के पानी से शायद लिखे हुए हों। वो तो सबको दिखा के खुश होगा। जाहिर है कोई बहुत अच्छी कैलीग्राफी का टुकड़ा हो तो हम उसको बंद ही करके रखते हैं, लटका के रखते हैं, सब देखें, तो उसका नामे अमाल भी इतना खूबसूरत होगा नेक अमाल की वजह से कि सबको वो खुद दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा, उसकी दिखावे की ख्वाहिश वहां पूरी होगी। उसे सारी जिंदगी कंट्रोल करके रखा, आज दिन है दिखाने का, खुश होने का और खुश करने का दूसरों को। बहरहाल यहां पर जब इंसान को दिखाया जाएगा उसका नामे अमाल, युनब्बा बताया जाएगा, नहीं सिर्फ ये नहीं कि दिखाया जाएगा बल्कि ही हैज टू बी टोल्ड, वहां उसको बकायदा खबर दी जाएगी, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि खोलो पेज फुलाना, देखो ये किया था, ये छोड़ दिया था। इस मौके पे मैं आप सबसे, कल मुझे बहुत हौल आ रहा था घर में, अब दिन रात एक ही रील चलती रहती दिमाग में, आप लोग अब यहां से निकलने वाले हैं क्या करेंगे, ये भूल ना जाए। जैसे एक माँ होती है ना तो बच्चों के बारे में फिक्र करती रहती, तो मेरे सामने कभी कोई चेहरा आता, कभी कोई आता, कभी कोई आता, मैं सोचती हूँ कि ये कहीं गाफिल ना हो जाए, ये कभी छोड़ ना दे। इस वक्त जो इनके ईमान का लेवल है, अल्लाह ये कायम रखना, ये नीचे ना जाए ये लोग, क्योंकि एक दफा दीन की तरफ आने के बाद उसको बुला देना, उसको छोड़ देना, उससे भी ज्यादा जिल्लत की बात होती है ना इंसान के लिए। क़यामत के दिन इंसान फिर ऐसे लोगों में उठाया जाए और फिर इतनी हसरतें हों कि मैं इनमें शामिल था और आज यहाँ से उठा के उधर फेंक दिया गया, है बहुत ही डर लगता है ना। खैर, इस वक्त मुझे ये ख्याल आ रहा था कि जैसे आप लोगों ने कुरान पाक पढ़ा, और आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने कुछ हिस्सा पढ़ा और कुछ छोड़ भी दिया, आज एबसेंट हो गए, कल एबसेंट हो गए, आज छुट्टी हो गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया, मजबूरियां इंसान के साथ है, बीमारी है, सेहत है, लेकिन आप में से डेफिनेटली हर एक जानता है और खुद जानता है कि उसने कौन सा हिस्सा छोड़ा हुआ है, किस दिन वो एबसेंट था, कौन सा हिस्सा उसने नहीं पढ़ा, नहीं सुना, नहीं समझा, और बस ऐसे इधर उधर से उठपटांग बातें लिख के खाना पूरी कर दी। तो ठीक है, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया, लेकिन कम अज कम हम अपनी इस किताब को तो एक दफा अच्छी तरह ऐसे मुकम्मल करें कि कोई आयत उसकी छुट्टी भी ना हो, कोई आयत ऐसी ना हो कि जिस पर हम ऐसे ही बस काम चलाने वाली बात करें। बिमा कद्दमा व अखरा, जो किया और जो छोड़ दिया, जो नहीं किया, जिसको पोस्टपोन कर दिया, ताखीर कर दी, डिले कर दिया, अच्छा कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिर कर लेंगे, वो उसको वहां बता दिया जाएगा, ये भाई तुमने ये काम नहीं किया था। आज हम लोग तो आपको नहीं बता सकते, हमारे पास तो कोई ऐसा जरिया नहीं और ना ही कोई ऐसा सिस्टम कि जिसके जरिए हम आपको निकाल के बता दें कि ए फलां तुम्हारा इतना इतना काम छुटा हुआ है, ये तुमने जिम्मेदारी नहीं पूरी की हुई, यहां यहां तुम एबसेंट थे। लेकिन क्यामत के दिन युनब्बुल इंसान, सारी एबसेंटीज वहां सामने रख दी जाएंगी, यहां डंडी मारी थी, ये सुनना ही नहीं चाहते थे तुम, ये पढ़ना ही नहीं चाहते थे कि कहीं अमल ना करना पड़े, या इसको तुमने इग्नोर किया, इसको तवज्जो नहीं की, इसलिए ये एक हकीकत है और
इस हकीकत पर इंसान खुद भी आ गया। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, बल्कि इंसान अपने नफ्स पर अपने बारे में खूब आगाह है, सब बसीरत रखता है, सबको अपना पता है, हर शख्स को अपनी खबर है कहाँ खड़ा है वो, कहाँ कहाँ कमी कोताही की है, क्या काम कर चुका है, क्या छोड़ चुका है। आप देखें, टीचर को धोखा दे सकते हैं, माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, लोगों की नजर में आप अच्छे बन सकते हैं कुछ ना करके, लेकिन अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता, उसके सामने कोई नहीं छुप सकता, कोई वहां पर फाल्स डॉक्यूमेंट पेश ना कर सकेगा, किसी और का अमाल नामा ना ले उड़ेगा, अपना ही पेश करना पड़ेगा। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अल्का माज़ीरा, खा वो कितनी ही माजरतें पेश करे। दुनिया में जब हम कोई काम नहीं करते तो एक लंबी लिस्ट होती है एक्सक्यूजेस की, कुछ सच्ची और कुछ झूठी, ये नहीं हो सका, सॉरी ये इसका वक्त नहीं मिला, इसका मूड नहीं बना, ये ऐसे छूट गया, ये वैसे छूट गया, लेकिन वहां इसमें से कोई भी उजर जो महज उजर होगा या उजर बराए उजर होगा कि अब एक वक्त है बहाना पेश करने का, चलो कोई भी बहाना घड़ दो। दुनिया में जब हम किसी को मुतमैन करना चाहते हैं, किसी से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो हम कोई बहाना घड़ के पेश कर देते हैं, ये वजह थी, वो अगला भी चुप कर जाता है सुन के, चलो होगी जाने दो इसको, लेकिन वहां कोई माजरत पेश ना कर सकेगा और ना ही कोई माजरत उसके काम आएगी। ये माजीरुन जो है, माजरत उनकी जमा है, और ये लफ्ज उजर से है, यानी जुर्म करके कोई ये ना कह सकेगा कि ये वजह थी जुर्म करने की। और इसी तरह कोई शख्स बहाना करके सजा से ना भाग सकेगा, और ना ही किसी का कोई बहाना कबूल किया जाएगा, ना ही वो ऐसी तावीलें पेश कर सकेगा जो उससे कबूल हो जाएं, और ऐसा करे भी तो कुछ फायदा ही नहीं है, वहां उजर पेश करने का फायदा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह की अदालत यहाँ की अदालत से मुख्तलिफ है। और फिर अभी ये बात चली रही थी कि बीच में असल मजमून को ड्रॉप करके एक दूसरा मजमून शुरू कर दिया गया, क्या ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जबान को हरकत न दीजिए, क्यों इन्ना अलैना जमाहु, बेशक हमारे जिम्मा है इसका जमा करना, व कुरआनहु और इसका पढ़वा देना, व इदा क़रअनाहु फिर जब हम पढ़ रहे हों उसको, फत्तबे कुरआना तो आप पैरवी कीजिए इसके पढ़ने की, थुम्मा इन्ना अलैना बयाना फिर बेशक हमारे ही जिम्मा है इसका बयान करना, यानी हम इसको खुद ही बयान करेंगे, इसकी वजाहत करेंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वही लेकर आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वही सुनाने के साथ साथ खुद भी पढ़ते थे, जैसे आप में से कुछ लोग जब किरात लगी होती तो साथ पढ़ते हैं ना ऊंचे ऊंचे, या टीचर तर्जुमा करवा रही होती तो आप साथ साथ तर्जुमा दोहरा रहे होते हैं और उसी जगह बैठ के याद कर रहे होते हैं, तो इस चीज से मना किया गया कि ऐसा ना किया करें। जब पढ़ा जा रहा हो, पढ़ाया जा रहा हो तो सिर्फ गौर से सुनो, क्योंकि जितना ज्यादा गौर से सुनोगे उतना ही ज्यादा दिल में उतरेगा, उतना ही ज्यादा समझ में आएगा, और अगर कहीं से कुछ भूल गए तो आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते के जरिए फिर पढ़वा देंगे, समझा देंगे। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वही लेकर आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ उजलत से पढ़ते थे कि कहीं कोई लफ्ज भूल ना जाए, कोई रह ना जाए, छूट ना जाए। तो अल्लाह ताला ने आपको फरिश्ते के साथ साथ इस तरह पढ़ने से मना कर दिया कि जब जिब्रील पढ़ रहे हो तो आप सुने, आप साथ नहीं पढ़े, क्योंकि तवज्जो से अगर लिसनिंग नहीं हुई तो दिल में जमेगा नहीं। ये मज़मून पहले भी गुजर चुका है सूरत ताहा में, वला ताजल बिल कुरआन मिन क़ब्ल अन युक़्ज़ा इलैका वहयु, कि आप कुरान पाक को पढ़ने में जल्दी ना करें इससे पहले कि उसकी वही मुकम्मल कर दी जाए, यानी जब वही पूरी उतर जाए फिर उसके बाद आप पढ़ना शुरू करें। इस वक्त कुरान का जो हिस्सा उतर चुका है उस पर सारी तवज्जो रखें, या उतर रहा है उसको गौर से सुने, और जो अभी उतरा नहीं और जिससे आपको मुखातिब नहीं किया गया उसकी तरफ तवज्जो ना दें। और ये बात सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, हम सब के लिए भी है
कि जिस वक्त जो पढ़ाया जा रहा है वो ही पढ़े, जो बात की जा रही है उसी पर तवज्जो रखें, उसी को गौर से सुने। बाज़ोकत आप लोग क्या करते हैं, डिस्कशन एक टॉपिक पे चल रही होती है, अभी वो टॉपिक तिशना होता है, बात मुकम्मल नहीं होती, कि यकायक एक शख्स बिल्कुल मौजू बदल देता है, टोटली कोई और बात शुरू कर देता है। उससे सुनने वालों, असर कबूल करने वालों के अंदर एक रिपल्शन सी आती है कि अभी वो कुछ और सुनना चाहते हैं और किसी ने उनको बिल्कुल कुछ और सुनवा दिया। तो ये सीखने और सिखाने के अमल में डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। इंसान उस वक्त तक सही तौर पे सीख नहीं सकता जब तक के सीखने के अदब आदाब से वाकिफ ना हो। जैसे एक शख्स सही खाना पका नहीं सकता अगर वो तरीका ना जानता हो, तो पढ़ने पढ़ाने का काम तो खाना पकाने से ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा मेहनत तलब है, तवज्जो तलब है। तो अगर आप पूरी तवज्जो से बात सुनते नहीं तो समझेंगे भी नहीं, जब समझ नहीं आएगी तो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकेंगे, अमल भी नहीं कर सकेंगे। तो सारा दारोमदार किस पर है, गौर से सुनने पर। इसीलिए तो आप देखें ना, जिन्नात ने जब गौर से सुना तो उनके दिल पे उतर गया, इन्ना समयना कुरआनन अजबा यहदी इला रुश्द फआमन्ना बिह, फौरन ईमान कबूल कर लिया, ईमान ले आए, क्योंकि दिल में उतर गया था ना। तो अगर वो सुनने के साथ साथ खुद भी बोलते, सुनने और बोलने का अमल साथ साथ जारी रखते, तो कैसे दिल पे उतरता। अच्छा, इसी तरह ये बात भी दुरुस्त नहीं कि तजवीद की क्लास हो रही हो और आप बैठ के तर्जमा लिख रहे हो या याद कर रहे हो या सीरा का टेस्ट तैयार कर रहे हो, यानी पढ़ाया कुछ जा रहा हो कर आप कुछ और रहे हो। इसी तरह बाज लोग सुनते भी रहते हैं और साथ कुछ और लिखते भी रहते हैं, ये भी एक मजाक है कुरान के साथ। सुनना है तो सुनिए, कुछ और करना है तो फिर वो कीजिए, फिर सुनिए नहीं साथ। और खुसूसन जब सीखने सिखाने का मामला हो तो दो काम इकट्ठे नहीं हो सकते। सुनने के वक्त सुनिए, बोलिए भी नहीं। यहां किस चीज से मना किया जा रहा है, ला तुहर्रिक बिही लिसानक, जबान को हरकत भी ना दीजिए। ये भी कहा जा सकता था ना कि ना बोलिए, लेकिन ना बोलिया कहने के बजाय क्या कहा गया, जबान हिलाइए भी ना। नहीं, हो सकता है बोलने में ये शुबा होता कि इंसान ऊंचा बोले तो फिर दूसरे को सुनाई दे, तो उससे मना किया गया। नहीं, जेरे लब भी मत बोलिए, क्योंकि अल्लाह ने किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं रखे, क्योंकि बोलने के लिए भी सोच समझ चाहिए और सुनने के लिए भी चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक दिल आप सुनने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे दिल को आपने बोलने के लिए लगा रखा हो, एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला और ज्यादा एहतियात का था, क्योंकि आप ही के जरिए जो पहुंचना था पहुंचना था, अगर वहां किसी किस्म की कोई कमी बेशी हो जाती तो बात मुश्किल हो जाती। और वैसे भी ये है कि कुरान कोई आम किताब नहीं है, ये दुनिया की अजीमुशान किताब है, जितनी ये बुलंद है, जितना इसके साथ अजर व सवाब है, बरकतें हैं, उतनी ही इसके साथ एहतियात जरूरी। पढ़ते वक्त तवज्जो से पढ़िए, सुनते वक्त तवज्जो से सुनिए, पढ़ाते वक्त तवज्जो से पढ़ाइए। अगर आपने कहीं भी इधर उधर गफलत की तो नतीजा क्या होगा। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इतना सुकूत होता था, इतनी खामोशी होती थी, इतनी तवज्जो होती थी कि बाज़ों का सहाबा के सर पे आके परिंदे बैठ जाते थे, तब भी वो नहीं हिलते थे, यानी परिंदों को पीछे से नहीं पता चलता था कि ये इंसान है, ये कोई कपड़े के ढेर रखे हुए। और ये यकसुई बेहद जरूरी होती है, ये नहीं कि ये उस्ताद अपनी इज्जत कराना चाहता है इसलिए चाहता है कि यकसुई हो और कोई बोले ना और कोई हिले ना, ये सब कुछ दरअसल इसी किताब के एहतराम में होता है। तो अगर जबान जैसी चीज को हरकत देना मना है तो खुद भी हरकत करना फिर मना है, हिलना जुलना, इधर उधर होना, पंखे झलना, ये सब चीजें जो है इसी में आ जाती है। यानी कुरान की मजलिस बहुत यकसुई की मजलिस होनी चाहिए। ला तो हर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, अपनी जबान को हरकत मत दीजिए कि इसे जल्दी याद कर सके। यानी घर जाके याद करना पड़ेगा, यहीं साथ साथ दो दो दफा कह के याद कर लें। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, बेशक हमारे जिम्मा है इसको जमा करना, यानी आपके सीने में इसको जमा करना, व कुरआनहु, और आपकी जबान पर इसकी किरात को जारी करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपकी याददाश्त से कुछ नहीं निकलेगा, आप बस जो काम हो रहा है उसी पर तवज्जो रखिए, दूसरे के आप मुकल्लफ नहीं। उसके पीछे जाना उजलत करना है, और उजलत हिकमत कुरानी के मुनाफी चीज है। सैयदना इब्ने अब्बास कहते हैं कि सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आप पर वही लेकर आते तो आप जबान और लब हिलाते रहते कि कहीं भूल ना जाएं।
इससे आप पर बहुत सख्ती हो जाती जो दूसरों को भी मालूम हो जाती थी। तो अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल की, नहीं आप बहुत टेंस हो जाते थे कि कहीं कुछ भूल ना जाए। हम भी बाज़ों को सुनते वक्त टेंस हो जाते हैं ना कि कुछ मिस ना हो जाए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत सख्ती हो जाती जो दूसरों को भी मालूम हो जाती थी। तो अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई, यानी वही का आपके दिल में जमा देना, याद करा देना हमारे जिम्मा है, इसका पढ़ाना भी हमारे जिम्मा है। तो जब हम पढ़ चुके तो आप भी उसी तरह पढ़ें जिस तरह हमने पढ़ा था, और जब तक वही उतरती रहे खामोश सुनते रहें, फिर वही के अल्फाज को आपकी जबान पे रवा कर देना भी हमारे ही जिम्मा है। चुनांचे इन आयात के नुजूल के बाद जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आते तो आप खामोश रहते, जब चले जाते तो आप इसी तरह पढ़ के सुना देते जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको सुनवाया होता। फइज़ा क़रअनाहु फत्तबिअ क़ुरआना, फिर जब हम इसको पढ़ रहे हों तो आप उसके पढ़ने की पैरवी करें, यानी गौर से सुने, उसको फॉलो करें। जैसे मैं आपको बाज़ोकत कहती हूँ ना कि किरात लग रही है, आप लफ्ज़ लफ्ज़ को पकड़ें, लफ्ज़ लफ्ज़ के पीछे जाएं, एक एक लफ्ज़ के साथ चलें। ये नहीं कि एक आयत सुन ली फिर ख्यालों में खो गए फिर होश में आए अच्छा अभी क्या लगा हुआ है, इस तरह नहीं। जब किरात चल रही हो जैसे चाहे यकसुई इख्तियार करें, चाहे कुरान को देख के चाहे आंखें बंद करके, लेकिन सुनते वक्त एक एक लफ्ज़ को पकड़ा करें, लफ्ज़ लफ्ज़ के पीछे चला करें। और जब आपको अल्फाज का माना आएगा, रूट्स आएंगे, उसकी गहराई में आप जानेंगे, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी अपनी समझ का और दिल की सफाई का अमल और तेज हो जाएगा। और फिर फत्तबे में सिर्फ सुनने की पैरवी नहीं बल्कि अमल करना भी मुराद है, यानी जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उस पर आप अमल भी कीजिए। थुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर इसको बयान करना भी हमारे जिम्मा है। कुरान का बयान क्या चीज है? बयान सिर्फ अल्फाज को दोहराने का नाम नहीं बल्कि अल्फाज के मफहूम बताना, उसकी शरह और तफसीर करना, उस पर अमल के तरीके बताना, इसमें सब कुछ शामिल है। क्योंकि कुरान पर अमल करने के लिए जरूरी है कि उसकी समझ भी हो, क्योंकि अगर बात समझ ही नहीं आएगी तो अमल कहां से होगा। मसलन अब देखिए कि कुरान पाक के अहकामात तो बड़ी चीज हैं, अगर किसी की छोटी सी बात भी समझना है तो आप उसकी बात पर अमल नहीं कर सकते। एक दफा मैंने किसी से चेंज लाने को कहा, पैसों का चेंज, तो वो चेन उठा लाए, चेन, क्योंकि पूरी तरह बात समझी नहीं है। यानी बहुत दफा ऐसे आपके साथ भी वाकयात हुए होंगे कि आप किसी को कुछ कहते हैं लाने को, वो कुछ और ला के खड़ा हो जाता, तो आप सर पीट लेते हैं कि ये क्या, तुमने समझा ही नहीं मैंने क्या कहा था। और ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है या मिस कम्युनिकेशन है, ये बहुत सारे मसाइल पैदा करती है, सब खराबियों की जड़ है ताल्लुकात और मामलात में। दो इंसानों के ताल्लुकात की खूबी किस पर मुनहसिर है? अच्छी कम्युनिकेशन पर। बात को वाजे तौर पर कन्वे करना और अच्छे लिसनर होना, अच्छी तरह गौर से सुनना फिर उसको याद रखना, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बेहद जरूरी। कुछ लोग परागंदा ज़हन रखते हैं, जब कोई उनसे कुछ कहे तो वो तवज्जो से बात नहीं सुनते, वो कहीं और ही होते हैं। फिर जब उनसे कहा जाता है कि आप ये कर लीजिए तो फिर कुछ और ही करके ले आते हैं। बाज़ लोगों की आदत ये होती है कि दूसरे के सामने झूठ मूठ का सर हिलाते रहते हैं, समझ आ गई, बिल्कुल आ गई, जब कहा जाता करके आओ तो कुछ और ही करके आते हैं, वो और ज्यादा तकलीफ दे चीज होती। अच्छा, बाज़ लोग सामने कहते हैं ठीक है जो आप कहें बिल्कुल दुरुस्त, और बाहर जाके कहते हैं वो क्या कहा गया था मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया था। आपको पता है मुनाफिकीन की अलामत बताई गई कि कुरान की मजलिस में बैठ के ध्यान उनका कहीं और ही होता था, यानी उनकी तवज्जो सुनने में नहीं होती, वो तो लकड़ियों के कुंदे थे जो दीवारों के साथ टेक दिए गए हों, बेहिस बेशऊर। और जब कुरान उतर चुका होता सब सुन सुना के बाहर जाते तो नजर अबाज़ हो मिला बाज, एक दूसरे की तरफ देखते और कहते कि वो अभी क्या कह रहे थे और कौन सी सूरत नाजिल हुई और क्या मफहूम बयान हुआ। तो दीन की खिदमत करने वाले ऐसे नहीं हुआ करते। अगर आप वाकई चाहते हैं आपका अमल बदले तो आपको अपनी लिसनिंग इम्प्रूव करनी होगी, हाजिर दिमागी की जरूरत है, तवज्जो की जरूरत है। और फिर उसके बाद बात को वाज़े अंदाज में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस के साथ आगे बताने की सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद एक छोटा सा ट्रेनिंग कोर्स ऑफर करेंगे आपको, तो जिन लोगों को भी उसमें अल्लाह ने तौफीक दी वो उसमें शरीक हों और अपनी कुछ स्किल्स को डेवलप करें, क्योंकि अभी तो तफसीर के अलावा
या चंद सब्जेक्ट्स के अलावा कोई और बात करने का मौका ही नहीं मिलता, यानी तफसीर ही के गिर्द रहते हैं, कोई और बात करने का वक्त और मौका ही नहीं होता। तो बात यह है कि सिर्फ कुरान का पढ़ना काफी नहीं, उसका बयान भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इन्ना अलैना जमाहू नंबर वन, व कुरानहू नंबर टू, और बयानहू नंबर थ्री। समात जमा करने का सबब बनती है, समात के बाद फिर डिलीवरी यानी लिसनिंग के बाद कम्युनिकेशन, उसको बोलना बताना, और फिर वो भी ज्यादा बेहतर तौर पर कब काम करती है, जब फत्तबे कुरानहू, कि कोई और पढ़ रहा हो तो सुनते वक्त पूरी तरह फॉलो करना, ख्यालात को भटकने से बचाना, और फिर जब सुन लिया नाजरा पढ़ना आ गया तो फिर तर्जुमा और तफसीर पढ़ना भी जरूरी है अच्छा मुसलमान बनने के लिए। उसका बयान भी जरूरी है। और एक और बात, आप इस वक्त भी सुन रहे हैं सीख रहे हैं लेकिन आधा इल्म है अभी, पुख्ता उस वक्त होगा जब आपके मुंह से निकलेगा, जब आप बयान करेंगे, जब आप किसी को बताएंगे। ये जो छोटी मोटी कोशिश होती है ना पेपर में चंद सवालों के जवाब आपसे लिखवाते हैं, ये भी दरअसल बयान ही के लिए है कि आपको एक्सप्रेस कितना करना है, आप उसे कन्वे कितना कर सकते हैं, क्योंकि जो बात आप कन्वे कर सकते हैं वही बात दरअसल आपकी समझ में होती है, उतनी ही आपकी समझ, और जिस अंदाज से कन्वे करते हैं उतना ही आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल है। तो इन्ना अलैना बयाना, गोया अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान नहीं उतारा, उसका बयान भी उतारा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कुरान पाक के मुश्किल मकामात की खुद वजाहत फरमाई, इल्मी भी और अमली भी। और देखा जाए तो हिकमत या हदीस जो है वो बेसिकली कुरान की तफसीर है, और आपकी अपनी जिंदगी और सीरत का ना खुलुकुल कुरान, वो भी कुरान का बयान है, कुछ बयान अमल से और कुछ बयान इल्म से। कल्ला, हरगिज नहीं, बल तुहिब्बू नल आजिला, बल्कि तुम जल्द मिलने वाली चीज से मोहब्बत रखते हो। यानी ये जल्दबाजी इंसान की फितरत में है, और ये जल्दी पढ़ना और जल्दी जल्दी खत्म करने का शौक, ये भी किस वजह से होता है कि इंसान जल्दबाज है, बहुत सी चीजों को जल्दी कर लेना चाहता है। हमारी सारी जिंदगी में, ये नहीं कि इस कोर्स के साथ ही मामला है, ये सारी जिंदगी में हमारे यही हाल है। अगर आप एक दिन का जायजा लें कि दिन में कितनी दफा जल्दी मचाई, उठते वक्त जल्दी, तैयार होते वक्त जल्दी, लेट हो रहे हैं लेट हो रहे हैं लेट, कोई दिन हमारा खाली नहीं जिसमें लफ्ज लेट शामिल ना हो, जितनी जल्दी मचाते हैं उतने ही लेट होते हैं। और बुनियादी तौर पर इसका बीज कहाँ लगा हुआ है, क्या सबब है, तो हिब्बू नलाजिला, जल्दी मिलने वाली चीजों से हमको मोहब्बत होती है, और आजिला से मुराद यहां बुनियादी तौर पर दुनिया है कि जो हमारे आसपास है। वह तजरू नल आखिरा, और तुम आखिरत को छोड़ देते हो, आखिरत भूल जाते हो, आखिरत तुम्हारे ख्याल में नहीं रहती, सिर्फ वो काम करना चाहते हो जो दुनिया में फायदा मंद, जिसका फायदा सवाब नतीजा रिजल्ट जल्दी मिले, वो काम नहीं करना चाहते जिसके करने में वक्त लगे, और अल्लाह ताला के अपने अंदाज हैं। वो जैसे सअला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़े में आपने पढ़ा कि अहले मक्का भी जल्दबाजी कर रहे थे, यस्तअजिलूनका बिलअज़ाब, तो बाज़ुकात इंसान जल्दी की मोहब्बत में अच्छाई की बजाय बुराई भी मांग लेता है। फरमाया कि तुम्हारी बहुत सी बदअमालियों का सबब दुनिया की मोहब्बत है। असल में ये तो बीच में जुमला मोतरजा है ना, ला तुहर्रिक भी लिसाना से लेकर बयाना तक, अब की आयात जो है इनको पीछे से आप जोड़ेंगे आयत 15 से, और उससे भी पीछे से, कि इंसान को क्यामत के दिन बता दिया जाएगा जो उसने आगे भेजा जो पीछे छोड़ा, इंसान को खुद अपने अमाल का पता है, खा वो कितनी माजरतें पेश करे, और बहुत सी खराबियों की जड़ और बहुत से गुनाह जो इंसान करता है जिस पर कल इंसान को माजरत करनी पड़ेगी, उसका सबब है दुनिया की मोहब्बत और आखिरत को भूल जाना। जो आखिरत को याद रखे वो जल्दबाज नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे सिला मिलना ही मिलना है। अगर वक्ती तौर पर किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया, वक्ती तौर पर किसी ने परवाह नहीं की आपकी, कोई आपको नतीजा रिजल्ट सामने नजर नहीं आया, आपकी किसी ने कदरदानी नहीं की, आपकी कोशिशों को किसी ने नहीं सराहा, तो कोई फर्क नहीं, आखिरत पर ईमान लाने वाला उसी रफ्तार से काम करता चला जाता है कि उसके सामने एक बुलंद मकसद है, वो उसकी तरफ भाग रहा है, उसकी तरफ दौड़ रहा है, वो छोटे छोटे मकासद को नहीं देख रहा, वो ये नहीं देख रहा कि मैंने आज ये नेकी की तो कल उसका नतीजा क्या निकला, और अगर नहीं निकला तो परसों मैं ये नेकी छोड़ रहा हूं, नहीं, वो आखिरत के वादे पर और यकीन पर काम करता चला जाता है।
وجوہ ہوئی یوم اذن ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ناظرہ نون دوادرے سے، تر و تازہ، پر رونق، حشاش بشاش، فریش، یعنی حشر کا میدان اور حشر کی گرمی ان کے چہروں کو متاثر نہیں کرے گی، وہ پھر بھی فریش ہی ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اس فریشنس کا راز کیا ہوگا؟ کہ انہیں صبح و شام اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا، یعنی جنت میں پہنچ کر اپنے رب کو دیکھیں گے. یہ جو ناظرہ کا لفظ ہے، اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعا دی تھی اپنی امت کو، نظر اللہ امرأً سمع مقالتی، اللہ بارونق کر دے اس شخص کا چہرہ جس نے میری کوئی بات سنی، پھر اس کو یاد کیا، پھر اسے آگے پہنچایا. آپ دیکھیں کہ انسان کے چہرے پر جو تاثرات ہوتے ہیں، یا اس کی خوشی ہوتی ہے، یا اس کی جو فریشنس ہوتی ہے، اس کا تعلق صرف شکل و صورت سے نہیں ہوتا، صرف صحت سے نہیں ہوتا. بعض چہرے کھلے ہوئے روشن ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اندر خوش ہوتا ہے نا، دل خوش ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، تو پھر کوئی بھی چیز ان کے چہرے پر اثر انداز نہیں ہوتی. لیکن کوئی بھی ایسا شخص جو مغموم القلب ہو، جس کا دل غمگین ہو، جس کے دل پہ خوف طاری ہو، کوئی وحشت ہو، کوئی ڈپریشن ہو، اس کا چہرہ کھل سکتا ہی نہیں. چہرے اندر کے عکاس ہیں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں بچوں کے چہرے اور طرح ہوتے ہیں، بے فکرے ہوتے ہیں نا، کتنے فریش ہوتے ہیں، کتنی چمکتی آنکھیں ہوتی، کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا. جو بےچارے اسکول جانے لگتے ہیں اور فیل پاس ہونے کا تصور ڈیولپ ہوتا ہے ان کے اندر، پھر آپ دیکھیں کہ ان بےچاروں کی کیسی کیسی پریشانیاں جنم لیتی ہیں. اور پھر جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ خوف بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح نہ صرف یہ کہ زندگی میں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف اگر مرے ہوئے لوگوں کو آپ دیکھیں تو ان کے چہروں پر بھی تاثرات فرق ہوتے ہیں. کچھ چہرے ان میں سے مسکراتے ہوئے ہوں گے، مطمئن ہوں گے، اور کچھ چہرے ان کو دیکھ کر آپ کو خوف آئے گا، ہول آئے گا. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مرنے والے کی موت کیسے آئی ہے. تو کچھ چہرے یعنی نیک کام کرنے والے اس روز تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے. وہ اللہ تعالی کو دیکھنے کی جو خوشی ہوگی، اس سے جو آنکھوں میں چمک آئے گی اور دل میں جو خوشی آئے گی، وہ چہروں سے پھوٹی پڑ رہی ہوگی. ہر انسان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو دیکھ کے، کچھ انسانوں کو دیکھ کے، کچھ سینز کو دیکھ کے ایک دم خوش ہو جاتے ہیں، چہرہ کھل اٹھتا ہے. آپ سوچیں کہ اگر دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے انسان کھل اٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اگر واقعی سچی محبت ہے، سچی محبت ہے تو، ورنہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں کہ نہ دیکھیں، انسان پرواہی نہیں کرتا. کس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے انسان اور بار بار دیکھنا چاہتا اور دیکھ کر اس کا دل نہیں بھرتا؟ اسی چیز کو جس سے اسے محبت ہوتی. قیامت کے دن اللہ کی ذات کو دیکھ کر جو خوشی ہوگی، وہ اتنی زیادہ ہوگی، دلوں کو اتنی ٹھنڈک سے بھر دے گی کہ چہرے بھی کھل اٹھیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا وہ بالکل سامنے ہوگا نا. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، انکم سترون ربکم عیانا، تم اپنے رب کو بالکل سامنے دیکھو گے، علانیہ دیکھو گے. حضرت صہیب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں مزید تمہیں کچھ دوں؟ وہ عرض کریں گے، کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا، اور ان لوگوں کو جو کچھ انعامات ملے تھے ان میں سے کوئی انعام بھی انہیں اس سے زیادہ محبوب نہ ہوگا. جب بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ کچھ چیزیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اوپر چیزیں بکھیری ہوئی ہیں ادھر ادھر، اتنے میں آپ سنتے کہ کوئی ایسا شخص آئے جس سے آپ کو بہت محبت، تو آپ کیا کریں؟ ہر چیز پھینک کے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، پھینکو اس کو، آپ اٹھ بھاگتے ہیں، ہر چیز بھول جاتی ہے نا. بالکل اسی طرح قیامت کے دن جنت میں ہر چیز انسان کو مل جائے گی، اور جنت میں انجوائے کر رہا ہوگا کہ یکایک خبر ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونے لگا، وہ سب چیزیں چھوڑ دے گا اور بھول جائے گا کہ کچھ اور بھی، اور وہ صرف اپنے رب کو دیکھنے میں مشغول ہو جائے گا. کوئی انعام اس سے زیادہ جنتیوں کو پسند نہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجرموں کو اپنا آپ نہیں دکھائیں گے،
انہم ان ربہم یوم اذن لمحجوبون، اللہ تعالیٰ مجرموں سے خود کو حجاب میں رکھیں گے، ان کے سامنے نہیں آئیں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن اپنے رب کو ہم دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے جبکہ بیچ میں بادل بھی نہ ہو؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے، کوئی پردہ بیچ میں نہ ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ اہل جنت میں کم سے کم درجے کا آدمی جو ہوگا وہ اپنی سلطنت کی وسعت 2000 سال کی مسافت تک دیکھے گا، اور ان میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگ ہر روز 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھیں گے. یہ بھی پھر اعمال کے ساتھ ہے کہ آپ کتنا دیکھنے کے مستحق ہیں. جو اعمال کے اعتبار سے فضیلت میں ہوں گے وہ 2 مرتبہ دیکھ سکیں گے. مے بھی کچھ لوگ 1 مرتبہ دیکھیں، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہفتے میں 1 دفعہ دیکھ سکیں. اچھا یہاں سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو حجاب میں رکھا ہوا نا، عورت کے لیے بھی حجاب پسند کیا ہے. اللہ نے خود کو کیوں حجاب میں رکھا ہوا؟ اس لیے کہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ ہر ایک کو نظر آئے، کوئی اہل ہو تو اس کو نظر آئے. لیکن آج کی عورت نے اپنے آپ کو کیوں اتنا سستا کر دیا ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنا آپ دکھانے کو تیار، جو جیسا تیسا ہو دیکھتا چلا جائے، اپنی ہی قدر گھٹا دی. اچھا یہ جو ناظرہ ہے نا، یہ دیکھنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. یہ جو ناظرہ قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں نا، یہ دیکھ کے پڑھنے کو کہتے ہیں، اسی سے ہے یہ، نظر سے بیسیکلی. اور ناظرہ انتظار کے معنوں میں بھی ہے، یعنی حشر کے میدان میں بھی ان کے چہرے بڑے مطمئن ہوں گے، فریش ہوں گے، اور وہ انتظار کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے باقی سب کچھ ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کب نظر آئیں گے. الا ربہا ناظرہ، ان کی نگاہیں کسی اور ہی کو ڈھونڈ رہی ہوں گی. اچھا آپ نے دنیا میں بھی نوٹس کیا ہوگا نا کہ ہر انسان کی نگاہیں کس چیز کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں، جس چیز کا اس کو انتظار ہوتا ہے، جو اس کی پسندیدہ ہوتی ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ کچھ چیزوں کا تصور آتے ہی آپ کھل اٹھتے ہیں، آپ مسکرانے لگتے ہیں، اور جو انتظار کی گھڑیاں کم ہوتی جاتی ہیں آپ کے چہرے کھلتے چلے جاتے ہیں. جیسے آج کل آپ کھل رہے ہیں کہ کورس ختم ہونے کا، پھر وہ قرآن پڑھنے کی رونق ہوگی. کیونکہ میں کچھ لوگوں کے چہرے پہلے دن کی پہچانتی ہوں، سب کے تو نہیں، لیکن جب آپ انٹرویو پہ آئے تھے تو کچھ لوگوں کا آنا مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. تو اس میں اور اب میں جب میں فرق دیکھتی ہوں، میں امیجنیشن میں، تصور میں فرق محسوس کرتی رہتی ہوں. وہ تصویر لاتی ہوں ذہن میں، پھر اب کلاس کی بیٹھی ہوئی تصویر لاتی ہوں، تو کچھ لوگوں کے چہروں پہ بہت بڑا فرق ہے. تو یہ قرآن کی جو ایک رونق اور محبت، اور خاص طور پر اللہ کی محبت جب دلوں میں آتی ہے، جو ہر لمحہ انسان کو خوش رکھتی ہے، وقتی طور پر تھوڑا بہت غم آ بھی جائے تو وہ چھٹ جاتے ہیں بادل جلدی، پھر اللہ کی محبت انسان کو جینے کا حوصلہ دیتی. تو الا ربہا ناظرہ، ناظرہ ایک تو یہ کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور دوسرا معنی یہ کہ منتظر ہوں گے، انتظار میں، شوق میں ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، کھل رہے ہوں گے کہ ابھی بہت اچھی چیز دکھائی دے گی. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے، کچھ چہرے اداس ہوں گے، منہ بسورے ہوئے ہوں گے، زرد رنگ کے ہوں گے، پھیکے پڑے ہوئے ہوں گے، تیور بگڑے ہوئے ہوں گے، بے رونق ہوں گے. فَظُنُّوا، وہ سمجھ رہے ہوں گے، اَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. فاقرہ ایسی مصیبت کو کہتے ہیں جو ریڑھ کی ہڈیوں کو توڑنے والی، اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو انسان اٹھ کے کہاں کھڑا ہو سکتا ہے. کمر کب ٹوٹتی، یہ بھی ایک محاورہ ہے نا، جب انسان پہ غم کا بہت بڑا بوجھ آتا ہے. مثلاً کسی کا جوان بچہ فوت ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ بچے کی وفات نے اس کی کمر توڑ دی. کس چیز کا اظہار ہے؟ غم کی کثرت کا اظہار. اس صدمے نے تو میری کمر توڑ دی. تو قیامت کے دن کا صدمہ اور غم اور دکھ ایسا ہوگا کہ انسان کی کمر توڑ دے گا، اور پھر سزائیں بھی ایسی ہوں گی کہ انسان کی کمر ٹوٹ جائے گی سہتے سہتے. یعنی کون سے چہرے اداس ہوں گے؟ جن کو پتا چل جائے گا کہ اب جہنم میں ہی جانا ہے، بس اور کوئی رستہ نہیں، کوئی جگہ نہیں، اب ہمارا ٹھکانہ آگ ہے، تو اس کے تصور سے ہی وہ پریشان ہو اٹھیں گے. کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیا، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی. تراقی ترقوا کی جمع ہے، ہنسلی کی ہڈی کو کہتے ہیں، حلق کے پاس، گردن کے قریب، سینے اور کندھے کے درمیان جو ہڈی ہوتی نا یہاں. یعنی جب موت کا آہنی پنجہ تمہیں اپنی گرفت میں لے گا اور جان نکلنے کے قریب ہوگی. وقیل من،
राक, और रुक रुक के कहा जाएगा है कोई जो झाड़ फूंक करे। वकील मन के बाद आप देखें सकता है, यानी जुमला भी पूरा ना कर सकेगा, इतनी वहशत होगी, इतनी दहशत होगी, इतना गम और अफसोस होगा, सारे इलाज धरे के धरे रह जाएंगे, सारी तदबीरें उल्टी पड़ जाएंगी। उस वक्त इंसान कहेगा है कोई जो झाड़ फूंक करे, है कोई जो मौत के पंजे से छुड़ाए। और होता यही है कि इंसान के लवाहिकीन, किसी भी इंसान के प्यारे, जब इस बात से आजिज आ जाते हैं कि कोई दवा इंसान पे असर करे और इंसान की जान निकलने लगती है, तो फिर आखिरी मरहले पे इंसान क्या करता है, कोई दम तावीज करे, कोई झाड़ फूंक करे। और राकिन का एक माना चढ़ने वाला, कि कौन है लेके चढ़ने वाला इस रूह को, यानी जब इंसान को यकीन हो जाता है कि मौत वाकई अब पक्की बात है, ये मर रहा है शख्स, तो उस वक्त फिर हर एक सोचता है कि पता नहीं कैसे फरिश्ते इसकी रूह लेने को आए हैं, अच्छे या बुरे, कौन है जो इसकी रूह ऊपर लेके चढ़ेगा। राकिन चढ़ने वाला, ऊंचा उठने वाला। वजन अन्नहुल फिराक, और इंसान समझ लेगा कि जुदाई का वक्त आ गया। जुदाई का वक्त तो इंसान को वैसे ही बहुत गमगीन कर देता है, खा आरजी जुदाई हो, लेकिन ये तो अब दुनिया से मुस्तकिल जुदाई का वक्त, हमेशा के लिए जुदाई का वक्त, और ये हर एक पर गुजरना है। कुल्लु नफ्सिन जाइकतुल मौत, कितना भी किसी के पास माल हो, इलाज की कैसी कैसी फैसिलिटीज हो, आराम के कैसे कैसे तरीके हों, कैसी अच्छी सेहत हो, कितना ही वो अपने बारे में केयरिंग हो, लेकिन मौत अपने वक्त पर पहुंच ही जाएगी, आ ही जाएगी। उस वक्त इंसान को यकीन आ जाएगा, आज हमें यकीन नहीं आता, आज हमारा सिर्फ ख्याल है, लेकिन उस वक्त यकीन आ जाएगा। वकीला मन राक वजन अन्नहुल फिराक, इंसान समझेगा कि फिराक जुदाई का वक्त आ चुका। वल्तफत इस्साक बिस्साक, और पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी। इल्तफा यानी साथ मिल जाना, क्योंकि जान सबसे पहले पांव से निकलती है, टांगों से निकलती है, आहिस्ता आहिस्ता आके हलक तक अटकती है। जब पांव ठंडे हो जाते हैं, बेहिस्सो हरकत हो जाते हैं, तो इंसान के ऊपर कितनी भी तकलीफ गुजर रही हो, इंसान अपना पांव भी नहीं उठा सकता, टांग ही नहीं हिला सकता, वरना अमूमन इंसान की तकलीफ का असर उसकी टांगों तक आता है। आपने देखा होगा जब कोई शख्स दर्द की शिद्दत में मुब्तला होता है, कर्ब में होता है, तो वो एड़ियां रगड़ने लगता है ना, पांव को हरकत देता है, पांव मारने लगता है, पांव पटकने लगता है। लेकिन उस वक्त की तकलीफ ऐसी तकलीफ होगी कि जिसमें इंसान पांव हिलाने के काबिल ना रहेगा, पांव भी ना मार सकेगा, टांग जहां होगी वहीं रह जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ मुर्दे अगर मौत के वक्त उनके दोनों पांव की अंगूठों को बाहम बांधा ना जाए और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए और टांगे खुली हो, तो खुली की खुली अकड़ जाती हैं, अपनी जगह पर ही रह जाती हैं, तो कोई भी फिर उन टांगों को जोड़ नहीं सकता, और अगर जुड़ी हो तो कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि मरने के बाद जब जिस्म अकड़ने लगता है तो टांगे या पिंडलियां या नीज जो है वो बेंड नहीं कर सकते मुर्दे के। जब उसको नहलाते हैं, अगर आपको कभी मुर्दे को नहलाने का तजुर्बा हो, तो पांव को जब उठाते हैं तो पूरी की पूरी टांग उठ जाती है। एक जिंदा इंसान की जब टांग आप उठाने लगे, पांव उठाने लगे, तो फौरन घुटना बेंड कर लेगा वो, क्योंकि सीधी टांग उठाना तकलीफ देह होता है, मुश्किल होता है। तो उस वक्त मुर्दे को जब नहलाते हैं, तो नहलाते हुए जब टांग उठाते तो पूरी उठ जाती है, क्योंकि अब वो हिला जुला नहीं सकता, जो जुड़ गई सो जुड़ गई, वो खोल नहीं सकता। वल्तफत इस्साक बिस्साक, पिंडली से पिंडली जुड़ गई, और ना जुड़ी हो तो जोड़ दी जाती है, जहां रह जाए वहीं रह जाती है। अब तो वक्त है दुनिया के आखिरी दिन का और आखिरत के पहले दिन का। एक तरफ दुनिया से जुदाई का गम है, प्यारों से दूर होने का गम है, औलाद और बच्चों से, शौक से सजाए हुए घर से, मेहनत से बनाई हुई दुनिया से, बैंक बैलेंस और लिबास से दूरी का वक्त है, और दूसरी तरफ आखिरत के लिए तो कुछ किया ही नहीं, वहां के लिए तो कुछ है ही नहीं, इसलिए उस पर गम पड़ रहा होगा। इला रब्बिका यौमा इज़्ज़िनिल मसाक,
वो दिन होगा तेरे रब की तरफ रवानगी का, आज तेरे रब की तरफ जाने का वक्त आ गया। मसाक का माना होता है चलाया जाना, हंगाना, जैसे कि सूरत काफ में आप पढ़ चुके हैं, वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइकुन व शहीद। और ये साइक और शहीद की मुलाकात से पहले का वक्त है कि अब रब की तरफ रवानगी का वक्त आ गया। फला सद्दक वला सल्ला, मगर उसने सच न माना, उसको कभी यकीन ही नहीं आया था कि इस दुनिया को छोड़ के भी जाना है, वो समझता था हमेशा यही रहना है। इसलिए वला सल्ला, उसने नमाज भी कभी नहीं पढ़ी, नमाजों की परवाही नहीं की, सोता रहा, दुनिया के कामों में मशगूल रहा, बहाने कर कर के टालता रहा। अब इसका अमाल नामा देखो और खोलो तो फला सद्दक वला सल्ला, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ना इसने कभी सदका किया ना नमाज पढ़ी, या ना इसने कोई खुदा रसूल की तस्दीक की और ना ही कोई अमल से इबादत की, या अमल से अपनी तस्दीक नहीं की, नमाज से उसने अपने ईमान को सच्चा साबित नहीं किया। सद्दका का एक माना तो है तस्दीक करना, यानी नंबर एक अल्लाह और उसके रसूल और जो भी ईमान के तकाजे हैं उनको पूरा ना करना, और दूसरी बात यह है कि जबानी कलामी कलमा पढ़ लेना, लेकिन कलमे का जो तकाजा है, जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हम अपने आप को मोमिन कहते हैं, तो मोमिन का मतलब है मानने वाला, फिर उसको मानना चाहिए जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। लेकिन अगर वो जबान से बोलने के बाद माने कुछ भी ना, ला सद्दका वला सल्ला, किसी चीज की तस्दीक ना करे, नमाज भी ना पढ़े, और फिर ना सदका खैरात दे ना नमाज पढ़े, तो उसकी जिंदगी, फिर मोमिन की जिंदगी कहाँ से है? वो तो अपने लिए खुद ही इन्हीं ईमान की और उसकी डिफिनेशन बनाए हुए है। वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, लेकिन उसने तो झुटलाया और मुंह मोड़ गया, यानी रसूल को झुटलाया और इताअत करने से मुंह मोड़ लिया। ثم ذهب الى اهله يتمطى, फिर चल दिया अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ। तमक्ती कहते हैं अकड़ने और ऐंठ कर चलने को, नाज से मटक के चलने को, गुरूर से अकड़ के चलने को, यानी अठलाता हुआ, हिदायत की बात सुनने की बजाय तकबर से मुंह मोड़ के अठलाते हुए दूर चला गया, यानी हक बात सुनना भी नसीब ना हुई। या तमत्ता मता से निकला है, मीम तोए अलिफ, मतिया सवारी को कहते हैं, मता पुश्त को कहते हैं, क्योंकि जानवरों की पुश्त पे पीठ पे बैठा जाता है, यानी सवार हुआ और जू करके गाड़ी ले गया, घर चला गया, अपनों के पास चला गया। सुम ज़हब इला अहलिहि यतमत्ता, यानी जब उसके सामने हक रखा गया, नेकी की बात रखी गई, तो उसने क्या किया? परवाह ही ना की, जान कर इल्म हासिल करके सुन के कोई तब्दीली नहीं आई, कोई आजजी पैदा नहीं हुई, कोई तर्ज अमल नहीं बदला, कोई चेंज नहीं आया, जैसे अकड़ता हुआ आया था वैसे ही चला गया। ثم ذهب الى اهله يتمطى, और घर वालों की तरफ क्यों? इसलिए कि इंसान सबसे ज्यादा खुलता है घर वालों के सामने, जो उसकी हकीकत होती है वो घर वालों के सामने ही नजर आती, और इंसान को अपनी गलत बातों के लिए, कामों के लिए पनाह भी घर वालों के बीच में मिलती। अब गौर कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आई और आप घबराए हुए थे, तो आप हजरत अबू बकर के पास नहीं गए, कहां गए? घर गए, कहा ज़म्मिलो ने मुझे कुछ उड़ा दो, हजरत खदीजा ने उनको लुक आफ्टर किया। आमतौर पर होता यही कि जब भी इंसान बाहर से कोई परेशानी लाता है तो घर आ जाता है, फिर इसी तरह कोई खुशी मिलती है तो सबसे पहले घर वालों के साथ शेयर करता है, बच्चों के साथ, बीवी के साथ। इसी तरह किसी का मजाक उड़ाना हो, किसी पे बातें बनाना हो, किसी को क्रिटिसाइज करना हो, किसी की मीन मेख निकालनी हो, किसी के अंदर कीड़े निकालने हो, किसी के साथ बुरा करना हो, कोई साजिशें करनी हो, सब चीजों के लिए इंसान अपने घर वालों के साथ ही ज्यादा खुल के कर सकता है। क्यों? इसलिए कि घर वालों से तकल्लुफ नहीं कर सकता, तकल्लुफ नहीं होता। बाहर कुछ ना कुछ तकल्लुफ रह ही जाता है, दोस्तों में भी कुछ तकल्लुफ रह जाता है और लोगों के साथ भी कुछ तकल्लुफ रह जाता है, लेकिन घर वालों में तकल्लुफ नहीं होता, असलियत खुलती है बंदे की।
असल हकीकत सामने आती कि कौन कैसा है, किस हाल में है। इसलिए दीन को छोड़ने वाला, दीन का मजाक उड़ाने वाला, दीन पे बातें बनाने वाला, मुंह मोड़ के दीन से अपने घर वालों के पास गया अकड़ता हुआ, क्योंकि घर वालों ने ही उसको वेलकम करना था। अवला लकफ अवला तुम अवला लकफ अवला, हलाकत है तुम्हारे लिए फिर हलाकत है, फिर हलाकत है तुम्हारे लिए फिर हलाकत है। अवला का लफ्ज या वैल से है या ओवला से है, वाव लाम ये से। मुस्तहक अफालुत तफजील का सीगा, और इसका सिला जब लाम होता है अवला लका तो ये डांट और धमकी के लिए आता है। अफसोस तुझ पर, फिर अफसोस तुझ पर, अफसोस तुझ पर, फिर अफसोस तुझ पर, फिर अफसोस तुझ पर, यानी डांट पर डांट पर डांट पर डांट, चार दफा। तेरा बुरा हो, तेरा नास हो, तेरी तबाही हो, तेरी हलाकत हो, तुझे नहीं याद था तूने मरना है, तू भूल गया था। और इसी तरह औला को कलमे वईद भी कहा गया है, बद्दुआ के मानों में भी है या तंज के मानों में भी है। मुराद है कि अल्लाह तुझे ऐसी चीज से दोचार करे जिसे तू नापसंद करे। तुम दुनिया में अकड़ कर रहे, लिहाजा आज तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं। अब यह है कि इतनी बार क्यों कहा गया औला लकफ औला थुम्मा औला लकफ औला, मुराद इससे यह कि अब तो आखिरत की हर मंजिल पर, हर स्टेज पर तुम्हारे लिए कोई खैर है ही नहीं, तुम्हारे लिए अब सिर्फ हलाकत ही है, बर्बादी ही है। मौत के वक्त भी तुम्हारे लिए बुरी खबर है, तो कब्र में भी तुम्हारे लिए हलाकत है, फिर हशर नशर के वक्त भी हलाकत है, फिर जहन्नम में जाके भी हलाकत और मुसीबत है। इसलिए चार दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, औला लकफ औला थुम्मा औला लकफ औला। यानी ये चार मरहले ही बेहद मुश्किल है। पहली हलाकत या पहली वैल मौत के वक्त, कि इंसान मरने के वक्त उन फरिश्तों को देखकर एकदम परेशान हो जाएगा कि ओह मारा गया, ये तो काम खराब हो गया। अब देखे ना, हम सब एक अच्छा गुमान रखते हैं कि इंशाल्लाह हम अच्छे काम करेंगे और हमारी मौत अच्छी आएगी, लेकिन बाज़ों का ऐसे गलत काम भी करते हैं जिनको हम गलत नहीं समझते, उनको तावीलें देते रहते हैं ना। अब अगर मौत आई और हमारी तवक्कुआत के बरक्स खुदा ना करे तो हाल क्या होगा उस वक्त। ये सब बातें हमको याद आएंगी कि हमें पता था अच्छा बुरा सब, हम तो इंतजार लगा के बैठे हुए थे कि वो रौहुन व रैहानुन व जन्नत व नईम वाले फरिश्ते आएंगे, ये तो मामला ही खराब हो गया, ये किया क्या, ये हुआ क्या, कहाँ कमी हुई। उसके बाद अगला मरहला हिसाब किताब का कब्र में आता है, मन रब्बू का मा दीनों का मन नबीयू का, वहां हारे तो वहां हलाकत, फिर क्यामत के दिन उठे और वहां पर हशर के दिन हिसाब किताब है, पल्ले ही कुछ नहीं, दिखावे रियाकारियां और इस तरह की चीजें वो सब किया धरा बर्बाद, या किया ही नहीं या करके गंवा दिया, कुछ अच्छे काम किए और कुछ ऐसे गलत किए उन्होंने पहलों को भी सफाया कर दिया, और फिर आखिरी हलाकत पूरी हो जाएगी जब इंसान अपनी सजा अपनी मंजिल को जा पहुंचेगा। अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा, क्या समझता है इंसान के यूं ही बेकार छोड़ दिया जाएगा। सुदन ऐसे ऊंट के लिए इस्तेमाल होता है जो यूं ही छूटा फिर रहा हो, जिधर जी चाहे चरता फिरे, कोई उसकी निगरानी करने वाला ना हो। तो इंसान के लिए अगर लफ्ज सुदन इस्तेमाल हुआ तो माना क्या है, कि ऐसा इंसान जो दुनिया में अपने ऊपर किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी कबूल ना करना चाहे, उसे जिस चीज का हुक्म दिया गया, जिस चीज के करने को कहा गया वो उसने किया नहीं, जिस चीज से रोका गया वो रुका नहीं, यानी बिल्कुल एक खिलंडरे बेनियाज और गैर जिम्मेदार शख्स की सी जिंदगी उसने बसर की। अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा अलम यकुन नुत्फतम मिन मनीयिन युम्ना, क्या वो एक हकीर पानी का नुत्फा न था जो रहमे मादर में टपकाया जाता है। इन इंसान इतना तकबर क्यों कर रहा है, कभी अपनी असल को तो देखे कि वो था क्या, अल्लाह ताला ने कहां से उसको उठाया। थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा, फिर उस नुत्फे से वो अलका बना, फिर उसने पैदा किया, फिर दुरुस्त बनाया, सव्वा यानी बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से बनाया, बिल्कुल हमवार बनाया। फजअल मिन्हु ज़ौजैन ज़िकर वल उन्था, फिर उससे दो किस्में बनाई मर्द और औरत की शक्ल में। अलैस ज़ालिक बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता, क्या वो इस बात पे कादिर नहीं कि मरने वालों को फिर से जिंदा कर दे।
यानी जो इंसान ये समझता है कि वो दुनिया में यूं ही बेकार पैदा किया गया है, तो वो कभी अपनी तखलीक के मरहलों पर गौर करे। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुमको बेकार पैदा किया और तुम हमारी तरफ वापस न लौटाए जाओगे। इंसान क्यों भूल जाता है कि वो अपनी इब्तिदा में हकीर पानी का नुतफा था, फिर अल्लाह का बना तो वो भी कोई काबिले जिक्र चीज न था, और उसके बाद मर्द और औरत की शक्ल में जब अल्लाह ने उसको ढाला तो वो एक दूसरे का मोहताज है, कमजोर है, तकब्बुर के लायक कहाँ है ऐसा इंसान जिसको इतने एहतमाम से बनाया गया एक दर्जे से दूसरे में। वक़द खलक़कुम अतवारा, इतनी तवज्जो के साथ तुम्हारी तखलीक की, क्या ये इंसान समझता है कि यूं ही छोड़ दिया जाएगा? अल्लाह ताला इस बात पे कादिर नहीं कि उसे दोबारा पैदा करे। तो इस आयत का जवाब देना चाहिए सुभानक अल्लाहुम्मा फबला। सवाल किया जा रहा है ना, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिया अल-मौता, क्या वो इस पे कादिर नहीं कि मरने वालों को फिर से जिंदा कर दे? तो क्या जवाब देंगे? सुभानक अल्लाहुम्मा फबला, पाक है तेरी जात ए अल्लाह, क्यों नहीं, यानी जरूर वापस लौटाया जाएगा इंसान। ये एक पोएम है मेरे सामने कि जब मौत आती है तो कैसे आती है। दिस इज द टेल ऑफ एन एवरेज मैन हु एक्ट्स कॉन्ट्रेरी टू अल्लाह'स प्लान। इफ यू आर रिफ्लेक्टेड हियर इन देन रिपेंट एंड कमिट नो सिन। इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 व्हेन डेथ नॉक्ड अपॉन अ बेडरूम डोर। Who is there? The sleeping one cried. I am Israel, let me inside. At once the man began to shiver, as one sweating in deadly fever. He shouted to his sleeping wife, don't let him take away my life. Please go away, O angel of death. Leave me alone, I am not ready yet. My family on me depend. Give me a chance, O please prepend. The angel knocked again and again. Friend, I'll take your life without a pain. It's your soul that Allah require. I come not with my own desire. Bewildered, the man began to cry. Oh angel, I am so afraid to die. I'll give you gold and be your slave. Don't send me to the unlit grave. Let me in, oh friend, the angel said. Open the door, get up from your bed. If you do not allow me, I'll walk through it like a jinn. The man held a gun in his right hand, ready to defy the angel's stand. I'll point my gun towards your head. You dare come in, I'll shoot you dead. By now the angel was in the room, saying, O friend, prepare for your doom. Foolish man, angels never die. Put down your gun and do not sigh. Why are you afraid? Tell me, O man, to die according to Allah's plan? Come, smile at me. Do not be grim. Be happy to return to him. O angel, I bow my head in shame. I had no time to take Allah's name. From morning till dusk, I made my wealth, never even caring of my health. Allah's commands I never obeyed, nor 5 times a day I ever prayed. A Ramadan came and Ramadan went, but no time had I to repent. The Hajj was already farther on me, but I would not part with my money. All charities I did ignore, taking usury more and more. Sometimes I sip my favorite wine, with flirting woman I sat to dine. O angel, I appeal to you, spare my life for a year or 2. The laws of Quran I'll obey, I'll begin to salat this very day. My fast and hajj I'll complete, and keep away from self-conceit. I'll refrain from usury and give all my wealth to charity. Wine and wenches I'll detest. Allah's oneness I'll attest.
We angel do what Allah demands. We cannot do against His commands. Death is ordained for everyone. Father, mother, daughter, son. I'm afraid this moment is your last. Now be reminded more of your past. I do understand your fears, but it is now too late for tears. You lived in this world 2 score or more. Never did you your people adore. Your parents you did not obey. Hungry beggars you turned away. Your 2 ill-gotten female offsprings in nightclubs for livelihood they sing. Instead of making more Muslims, you made your children non-Muslims. You ignored the Muazzin's azan, nor did you read the Holy Quran. Breaking promises all your life, backbiting friends and causing strife. From hoarded goods, great profits you in, and your poor workers you underpaid. Horses and carts were your layers. Money-making was your player. You ate vitamins and grew more fat. With the very sick you never sat. A pint of blood you never gave. Which could a little baby save? O human, you have done enough wrong. You bought good properties for a song. When the farmers appealed to you, you did not have mercy, it's true. Paradise for you, I cannot tell. Undoubtedly, you will dwell in hell. There is no time for you to repent. I'll take your soul for which I'm sent. The ending, however, is very sad. Eventually, the man became mad. With a cry, he jumped out of his bed. And suddenly, he fell down dead. And suddenly he fell down dead. Duniya ke musafir, manzil teri kabar hai. Duniya ke musafir, manzil teri kabar hai. Tay kar raha hai jo tu, do din ka ye safar. ये आलीशान बंगले किसी काम के नहीं हैं, ये आलीशान बंगले किसी काम के नहीं हैं, मखमल पे सोने वाले मट्टी में सो रहे हैं, मखमल पे सोने वाले मट्टी पे सो रहे हैं, शाहो गदा यहाँ पे सब एक हो रहे हैं, शाहो गदा यहाँ पे सब एक हो रहे हैं, दो गज जमी का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है, दो गज जमीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है, दुनिया के मुसाफिर आंखों से तूने अपनी देखे कितने जनाजे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, आंखों से तूने अपनी देखे कितने जनाजे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से
اپنے، کیوں اتنا بے خبر ہے انجام سے تو اپنے، کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو، دو دن کا یہ سفر ہے طے کر رہا ہے جو تو، دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے دنیا کے مسافر. الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.